Ask yourself and follow me. हरे कृष्णा, आप लोग विश्राम अवस्था में सावधान हो जाइए। श्री गुरुभ्यो नमः। विक्रीडितं ब्रजमधुविरिदं च विष्णु श्रद्धान्नतोऽनुसृणुयादतवर्णैभ्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामा हृदरोगमस्वपहिनोत्यचिरेण धीरा। कली पावनावतार श्रीमन महाप्रभु की दिव्य अहेतु की कृपा की कोर के फलस्वरूप हम लोग मानव जीवन का उत्कृष्ट फल सत्संग श्री महाराज जी के श्री चरणारविंदों में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं और अपने इस जीवन को धन्यातीत धन्य बना रहे हैं। सबसे पहले मैं व्यासासन पर विराजमान पूज्यपाद श्री महाराज जी शोभा भी जिसके सामने शोभा पा रही है ऐसे श्री महाराज जी के श्री चरणारविंदों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणारविंदों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात श्री स्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त विद्युत वैष्णव वरिण्य जन आप सभी के हृदय में बैठे हुए श्री बालकुंडलाल को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए हरे कृष्णा, ये जो मैं विषय बोलने जा रहा हूँ ये बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए आप सब लोग दत्त चित्त होकर के बैठिए। कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए आपकी, सिर्फ थोड़ी देर। देखिए रासलीला जो है, भागवत जी का प्राण क्या है? भागवत जी के पंच प्राण है रासलीला के पंचाध्याय और भागवत का मुख्य प्राण है उसमें श्री गोपिका लीला। इसलिए भागवत जी का ये प्राण है और मुख्य संदर्भ है, ये मुख्य टॉपिक है भागवत जी का, अतः आप लोग इसे श्रवण कीजिए। देखिए रासलीला पे अनर्गल बातें होती हैं, लोग रासलीला को कुछ और ही समझते हैं, पर रासलीला किसे कहते हैं? रसानाम समूह इति रास, जिसके अंदर साक्षात भगवत तत्व श्री कृष्ण श्रीमती गोपियां, ये गोपियां वेद की अन्य प्रकार की ऋचाएं हैं, उनके साथ जो लीला हुई है उसे रास कहते हैं। ये रासलीला क्या है? श्रीधर स्वामी पाद इस रासलीला के विषय में कहते हैं यह रासलीला षडमासकी, ये छह महीना की कथा है, लेकिन अब यहाँ पे समय कम है तो बहुत बहुत थोड़े में इसका वर्णन कर दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग इसके विषय में बात करते हैं, ये रासलीला बड़ी दिव्य है, इसके अंदर कोई भी चीज प्राकृतिक नहीं है। रासलीला के अंदर जो रात्रि है वो भी दिव्य है, ब्रह्म रात्रौ विचार नहीं हो, भगवान ने ब्रह्म रात्रि का आवाहन किया है। इसके नायक भी साधारण नहीं है, परात्पर अखिलेश्वर परात्पर परब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल गुणगण निलय भगवान अकारण करुणा वरुणालय श्री कृष्ण है। और जो नायिका है उसमें मुख्य नायिका साक्षात श्री राधा रानी है, महाभावेर स्वरूपा होन राधा ठाकुरानी, साक्षात महाभाव को लेकर के श्री राधा रानी है। और उसके अलावा जो अन्य नायिका है वे है श्री गोपी, गोवैहि इंद्रियैहि कृष्णः रसपिबतीति गोपी, जो अपने समस्त इंद्रियों से केवल श्री गोविंद के लीलाओं का रस प्रवाह पान करती है वही गोपी है। ना इसकी नायक साधारण है, ना इसकी नायिका साधारण है, ना वो रात्रि साधारण है और
और जो चंद्रमा उदय हुआ है वो भी साधारण नहीं है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु, वो चंद्रमा साधारण नहीं है, भगवान के मन से उत्पन्न हुआ है। जब श्री राधा रानी अपने दिव्य कुमकुम मिश्रित माथे को श्री गोविंद के वक्षस्थल पर विराजमान करती है, तो जब वो कुमकुम मिश्रित माथा श्री गोविंद के वक्षस्थल पे पहुंचता है, उससे जिस चंद्रमा का उदय होता है वह है वो दिव्य चंद्रमा। वो चंद्रमा भी साधारण नहीं है। देखिए, ना यहाँ नायक साधारण है ना नायिका साधारण है। श्री यहाँ के नायक ऐसे हैं जो नायिका की उपासना कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी श्री राधा रानी की उपासना करते हैं। एक बार ब्रज की लीला है, एक बार भगवान श्री कृष्ण जो है वे आए और राधा रानी जी अपने निज महल में पहुंच गई थी और राधा रानी जी ने अपना जो किवाड़ है वो बंद कर लिया था। श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण ने खटखटाया दरवाजा। राधा रानी बोली, कौन है? श्री कृष्ण बोले, अहम हरि, मैं हरि हूं। प्रिया युपवनम शाखा मृगशात्र किम्। श्री कृष्ण राधा रानी बोली, अब हरि के अनेक अर्थ है। हरि का मतलब एक तो हरि भगवान और एक हरि का संस्कृत में अर्थ होता है बंदर। राधा रानी बोली, बंदर? बंदर से तो बहुत डर लगे। अब राधा भगवान बोले, राधे हम मधुसूदनो अपि, कृष्णो हम दैते विभूम सुंदरो, कृष्णो न अहम वानरात्। हे राधे, मैं बंदर नहीं हूं, मैं कृष्ण हूं। अब कृष्ण के भी अलग अलग अर्थ हैं। एक कृष्ण का अर्थ है जो आकर्षण करे और एक कृष्ण का अर्थ है काला। तो राधा रानी बोली, काला बंदर, काले बंदर से तो मुझे सबसे ज्यादा डर लगे। फिर ठाकुर जी बोले, राधे हम मधुसूदन होते, हे राधे में मधुसूदन। अब मधुसूदन का मतलब भी अलग होता है। एक मधुसूदन जिन्होंने मधु नाम के दत्ते का संहार किया है और एक मधुसूदन है जो भवरे को कहते हैं। तो राधा रानी बोली, यदि भवरे हो तो फिर जंगल में जाओ। देखो, राधा रानी जानती है श्री कृष्ण है, लेकिन अपनी लीला को देखो कैसे संपादित करती है। ठाकुर जी मनाते मनाते हार गए। आखिर में संत कहते, हिरणो हरि पातुमा, उस हारे हुए हरि की हम शरणागत शरण में आते हैं जो राधा रानी के हाथ, राधा रानी के द्वार से खाली हाथ लौट रहे हैं। ये है नायक और ये है नायिका। अब हम लोग रासलीला में चले, श्लोक देखिए रासलीला के। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायां उपाश्रिताः। भगवान पिता रात्रि, भगवान शब्द का प्रयोग किया है। क्यों? आचार्य चरण कहते हैं ये जो लीला कर रहे हैं रासलीला, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर रहा, भगवान अभी साक्षात त्रिभुवनपति भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान किसे कहते हैं? जिसके अंदर षड भगवान ऐश्वर्य समग्रस्य यशश्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णा भग्नतिङ्गणा। जिसके अंदर षडैश्वर्य संपन्न जो श्री भगवान है, ज्ञान वैराग्य यश श्री ऐश्वर्य, ये साक्षात विद्यमान है, वे हैं भगवान। साधारण नहीं, इसलिए हमें रासलीला को साधारण नहीं समझना चाहिए। भगवान साक्षात इसका इसके नायक श्री भगवान है। साधारण व्यक्ति कर भी नहीं सकता इस लीला को। शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद शरद ऋतु है, शरद काम पीड़ा दबाती शरद, जो श्री कृष्ण और राधा रानी को के दिव्य मिलन की, जो गोपियों के साथ दिव्य विहार की लीला है जिस ऋतु में हो रही है वही शरद ऋतु है। शरद विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। योग माया यहाँ राधा रानी है। योग माया की पहले श्री कृष्ण ने योगायाम मायायाम राधायाम विधि योग माया का आश्रय लिया है। उसके बाद यह परमिशन ली है राधा रानी से कि श्री जी चलो रास में पधारो, तब जाकर के रासलीला संपादित हुई है। आगे के शब्द हैं,
भगवान ने वंशी बजाया। वंशी बजाने के बाद सारी गोपियों को बुलाया है। वंशी देखो, पहली गोपी दूध निकाल रही थी गाय का, भगवान की वंशी पहुंची। पहुंचने के बाद गाय का दूध निकाल रही थी, जाकर के गोपी ने सुना, अरे गोविंद बुला रहे हैं, वो आधी बाल्टी दूध निकाल लिया था। जैसे ही पीछे मुड़ी जाने को हुई, वापस मुड़ करके आधी बाल्टी दूध उसको फेंक दिया। वंशी ने पूछा, चल ठीक है, गोविंद बुला रहे हैं तो आधी बाल्टी ये दूध क्यों फैला दिया। उसने कहा, श्री गोविंद के दर्शन करते समय, उनके साथ नित्य विहार करते समय यदि आधी बाल्टी दूध याद आ गया तो उतनी देर के लिए मैं श्री कृष्ण रस से वंचित हो जाऊंगी। तो मानो समस्त इंद्रियों का परित्याग करके वह गोपी श्री कृष्ण दर्शन के लिए चली। दूसरी गोपी भोजन परोस रही थी। भोजन परोसते परोसते वंशी पहुंची और भोजन को छोड़ दिया। खाना हो तो खाओ, नहीं खाना हो उसको मत खाओ, मैं तो गोविंद के मिलवे गोविंद से मिलने के लिए जा रही हूँ। कोई गोपी जो है वो उसके सास ससुर ने रोक लिया, नहीं तू नहीं जाएगी, नहीं तू नहीं जाएगी, पति ने रोक लिया। गोविंद गोपी बोली, ये शरीर तेरी माता है ना, ये शरीर तेरी पुत्री है ना, ये शरीर तेरी बहन है ना, ले मैं इस शरीर का ही परित्याग करती हूँ। और उसने दिव्य ज्योति, दिव्य धार, दिव्य प्राण धारण करके और अपने दिव्य योगी योग बल से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंची। सारी गोपियां इकट्ठी हो गई। उसके भगवान, उसके बाद राधा रानी के साथ फिर भगवान ने स्वागत किया है सारी गोपी का। स्वागतम भू महाभाग प्रियं किं करवाणि मा ब्रजस्यानामयं गच्छत् भूतागमन कारणं रजन्नेशा घोर रूपा घोर सप्तमी श्रीदिता प्रतियाद प्रजन्नेह स्नेहं श्रीवी सुमुद्यमा मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वा विचिन्वन्ती ह पश्यन्तु मा गद्यमङ्गुसत्वशम् दृष्टं वनं कुसुमितं रागेशं करञ्जितं यमुना लिल्लीलै जेतरु पल्लव शोभितं तदया माचितं गोष्ठं शुश्रुषुन्नुं पतिं सति कृन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पाय्यत द्विहते अथवा मद्विस्नेहात् भवत्यो यत्र नाशयात् आगता युगवन्नम् अप्रियै मैलन्तव भक्तु शुश्रूषणं श्रीणां परो धर्मोयमायया च तबन्धुनां च कल्याण्य प्रजानां चारुपोषणं दुर्शीलो दुर्भगो वृद्धो जनो रुग्यधनोऽपि वा पति स्त्री निर्वहातव्यो लोकेषु भियपातकी असमरकं मयशस्यं च फल्मकृच्छं भयावह जुगुप्तु सर्वत्र अरुकुपत्रं कुलस्त्रियात् श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो न कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रदीयादत्ततो गृहाणि आवा महाभाग्यवतियों पधारो। श्री कृष्ण को बोली, श्री कृष्ण ने कहा, आवा महाभाग्यवतियों गोपियों पधारो। भगवान को यह सुना गोपियां आई हैं गोपियों को, फिर भगवान बोले, क्यों आई हो यहाँ पर? गोपियां उदास हो गई, पहले तो वंशी बजा करके बुला लिया था, अब ऐसे कर रहे हो। भगवान हास परिहास करने लग गए। उसके बाद भगवान ने कहा, देखो भगवान ने एक बात कही है, भगवान ने कहा है, देखो यहाँ नारियों के लिए भगवान ने एक बात कही है, पति कैसा भी हो, निर्धन हो, रोगी हो, चलो रोग्य धनो विवाह, पर पति स्त्री निर्वहातव्यो लोकेषु भियपातकी, पति के लिए, पत्नी के लिए उसका परम कर्तव्य है अपने पति की सेवा करना। पर हमारे परम पति साक्षात भगवान श्री गोविंद है, तो हम लोग यहाँ संसार में रहकर के अपने पति की खूब सेवा करें, क्योंकि भगवान अपने पति की सेवा का फल क्या है, श्री भगवान के अनुपम दर्शन, श्री भगवान की भक्ति। पतिव्रता नारी जो है वो अपने पति की सेवा से उसकी सेवा भी करे, श्री भगवान की भक्ति भी करे, भगवान का नाम जप भी करे, और इन सब का
सबका फल क्या होगा? श्री भगवान के दिव्य दर्शन। इसीलिए अपने पति की सेवा अवश्य करनी चाहिए, कैसा भी पति हो। जनो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री निर्वहातव्यो लोकेषु भी अपातकी, कैसा भी हो। उसके बाद पहले भगवान का रास हुआ, पहले भगवान का रास हुआ। दुई दुई गोपी बिच बिच माधव, दुई दुई गोपी बिच बिच माधव, दो दो गोपी हैं बीच में गोविंद है, दो दो गोपी हैं बीच में गोविंद है। उसके बाद गोपियों को अहंकार हो गया कि त्रिभुवन पति साक्षात, बैठ जाइए माता जी जल्दी बैठ जाओ, त्रिभुवन पति भगवान मेरे साथ त्रास कर रहे हैं। रास कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है, फिर भगवान ने देखा इनके मन में अहम आ गया, तो भगवान रास लीला के मध्य में ही अंतर ध्यान हो गए। अंतर हिते भगवते सहसे, क्योंकि देखो भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। जहां अपने आप में कर्तृत्व अभिमान आ गया कि मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, वहां भगवान नहीं रुक सकते, तो भगवान चले गए। अंतर हिते भगवते सहसे ब्रजंगना अतप्यः समचाणक्ष करण्यैव युक्तम, भगवान अंदर ध्यान हो गए। उसके बाद गोपियां सारी की सारी ढूंढ रही हैं, कहां हैं कृष्ण, कहां हैं कृष्ण, हम परेशान हो गए। फिर आगे जाकर के राधा रानी को भी श्री भगवान ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? राधिता नूनम, वहां पे क्यों छोड़ा राधिका को? इसीलिए क्योंकि राधा रानी जानती है कि मेरे कृपा के बिना गोपियां श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाएंगी, इसीलिए भगवान ने राधा रानी को भी छोड़ दिया वहां पर, क्योंकि राधा रानी की कृपा से ही तो श्री गोविंद मिलेंगे। आप लोगों ने सुना होगा ना, ब्रज में संत गाते हैं, राधे राधे बोल श्याम भाजे चले आएंगे, राधे राधे बोल श्याम भाजे चले आएंगे, राधे राधे बोल श्याम भाजे चले आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आए। इस तरीके से भगवान का रास संपादित हुआ, महाराज
संपादित हुआ। बोलिए रसिक शेखर भगवान की, रास राशेश्वरी श्री राधा रानी की। ये सब रासलीला का कुछ अंश आप लोगों के सामने था। अब आगे श्री महाराज जी बोले। Thank you.
ओम ज्ञान तिमिरामुदस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जङ्गप्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहका तर आयुभाव पुत्रीति तन्मयतया तरभोभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान त्वस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी कर हाथ उठा दो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हाथ उठा दो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्ण भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई जय सभी का मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण इंद्र पूजा को बंद करवाए और श्री गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने पूजा करवाया। कहते उन्होंने इंद्र पूजा क्यों करवाई और ये गिरिराज की पूजा उन्होंने बंद करके इंद्र पूजा को गिरिराज की पूजा इन्होंने क्यों करवाई। तब हमारे संत लोग गोस्वामी लोग उसको पीछे चार ही कारण बताया। कितना कारण बताया? आज मैं बताऊंगा, कल आपसे मैं सुनूंगा, ठीक? देखूंगा मेरे को कौन बोल पाता है। इसका पहला कारण बताए, कहते इंद्र कौन है? बोलिए स्वर्ग का राजा है, सारे देवताओं के राजा है। लेकिन कृष्ण ने सारे देवता को राजा की पूजा उन्होंने बंद करवा दी। और किसकी पूजा प्रारंभ कराया? बोले गिरिराज गोवर्धन की। बोले गिरिराज गोवर्धन कौन है? ये स्वयं कृष्ण है। शिक्षा देते हैं भैया कृष्ण ऐसे के देवता हैं जो एक देवता को पूजा करो ना सभी का पूजा तुम्हारी अपने आप हो जाएगा। इसलिए उन्होंने देवता का राजा इंद्र को भी उन्होंने पूजा बंद करवा दिया। फिर तो साधारण देवा देवी की बात ही छोड़ दो। इसलिए भगवान की भक्ति एक अनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति से भगवान नहीं मिलते हैं। इसलिए मेरे तो गिरिधर गोपाला भक्ति ऐसे होनी चाहिए। और गोपियां क्या कहती हैं? उद्धव मन ना भयो दस बीस एक मन सो गए श्याम संगे को आराध्य ईस। जब उद्धव जी ब्रज में पहुंचे और गोपियों के ध्यान की बात बताए, बोले उद्धव जी ध्यान तो मन से होता है लेकिन मन थोड़ी दस में से, वो मन तो एक है ना, लेकिन वो एक मन तो कृष्ण को साथ में गया है। जब कृष्ण ब्रज छोड़ कर गए उनको साथ में ही ये मन चला गया। फिर ध्यान हम कैसे करें?
हाँ देखो शिक्षा देते हैं, जो आज इसी देवता को पूजा करे कल उसी देवी को पूजा स्मरण कर दे परसों तक, इसलिए तुम्हारे मन कितने हैं, तुम्हारे मन कितने हैं, कितने को दे रहे हो मन? नहीं, मन एक है, हैं? मन दो नहीं। और ऐसे एक देवता को ये मन दो जिसकी उपासना करने पर तुम्हारी 33 करोड़ देवता की पूजा अपने आप हो जाएगा। वो केवल श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं है, केवल कृष्ण है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति उसे कहते हैं जबकि कृष्ण को चरण में, जब हम संपूर्ण रूप में तन मन सब कुछ कृष्ण चरण में दे दो। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है इंद्र को मन में अभिमान आ गया, बल क्या है, बल मैं स्वर्ग का राजा हूं, मैं बारिश बरसाता हूँ इसलिए ये घास उगता है और गैया खा कर दूध देते हैं और ये ब्रजवासी जिंदा रहते हैं, हैं? इनके मन में ये अभिमान आ गया था, इसलिए कृष्ण ने भले तेरी कृपा से बारिश होती है, अभी तेरे को मजा चलाता हूँ, तुमको पता ये ब्रजवासी है कौन? नंद बाबा अगर कभी बोलते कान्हा मेरे खड़ा हूँ ले आ लाला, कृष्ण ठुमुक 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 करके चलते हैं, खड़ाओं को गोद में नहीं खड़ाओं को सर पर रख करके कृष्ण नाचते नाचते आते हैं। नंद बाबा सोचते हैं मेरे लाला कितने अच्छे हो, मैंने कहा खड़ाओं ले आओ हाथ में नहीं, मेरे लाला सर पर लेकर के आ रहा है, जब बड़ा होगा ना फिर तो मेरे लाला मेरी बड़ी सेवा करेगा, मेरी बड़ी सेवा करेगा लाला। बोले जिनकी खड़ाओं को मैं स्वयं सर पर धारण करता हूँ। जब कृष्ण ने मटकी फोड़ी मैया ने उनको उखल में बांध दी, कहाँ विश्व ब्रह्मांड का मालिक है और कहाँ भगवान को अपना उखल में प्रेम में बांध देती है, कहाँ कृष्ण जिन सखाओं को झूठन खाते हैं भगवान, हैं? कभी कभी श्रीदाम को साथ में लड़ाई हो श्रीदाम कृष्ण को पछाड़ देता है। इसलिए बोले भैया जिन ब्रजवासियों का मैं इतने ऋणी हूँ, जिनकी चरण की मैं स्वयं सेवा करता हूँ, इंद्र क्या सोच रहा है मैं स्वर्ग का राजा और ये ब्रजवासी मेरे प्रजा। बोले इंद्र को पता नहीं ब्रज की एक रज में इतने शक्ति हैं, एक स्वर्ग नहीं एक इंद्र नहीं करोड़ करोड़ स्वर्ग और करोड़ करोड़ इंद्र को प्रकट कर सकते हैं, ब्रजवासियों की चरण की एक धूल में इतने शक्ति। अभी ये इंद्र को पता नहीं है ब्रजवासी कौन है, इसकी अभिमान को दूर करना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी इसलिए उन्होंने इंद्र पूजा की बंद करवाई। तीसरा कारण है अभी कृष्ण सोच रहे हैं मेरे मन में इच्छा है ये ब्रजवासी कौन है, बोले ये ब्रजवासी और कोई नहीं भगवान की प्रकाश है, कृष्ण की अभिन्न प्रकाश राधा रानी। राधा रानी की जो कायव विवाह उनकी जो प्रकाश ये ब्रज की गोपियां हैं और ये जो सखा लोग हैं ये सबके सब बलदेव प्रभु से प्रकाशित हो गए हैं। इसलिए कृष्ण की मन में इच्छा है ये ब्रजवासियों को साथ में मैं 7-7 दिन तक एक कटे रह करके इनको साथ में मैं उत्सव मनाना चाहता हूँ, हैं? और कभी कभी ये गोपियों से राधा रानी से मिलना मेरे लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन ऐसे कौन सा काम करूं जो कि इन्हीं को साथ में मैं 7-7 दिन तक इकट्ठे रह करके मैं उत्सव मनाना चाहता हूँ। इसलिए कृष्ण ने सोचा जब मैं गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लूंगा सारे ब्रजवासियों को क्या करना पड़ेगा, गिरिराज के नीचे आना ही पड़ेगा, हैं? गिरिराज को नीचे आना पड़ेगा, फिर तो ये ब्रजवासियों को साथ में 7 दिन तक मैं महोत्सव करना चाहता हूँ। इसलिए कहते ये तीसरा कारण है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कारण क्या है? बोले सर्वश्रेष्ठ कारण है अभी भगवान सोच रहे हैं उनको जो सर्वश्रेष्ठ लीला है ये रास लीला है। अभी कृष्ण सोच रहे हैं मैं रास करूंगा लेकिन अकेले का रास कर ही नहीं सकता, हैं? जब तक ये ब्रज गोपियां नहीं हो, हैं? अभी कृष्ण सोच रहे हैं भैया इनको मैं कैसे आकर्षण कैसे करूं। एक उदाहरण दिया, जैसे सिनेमा में जब कोई हीरो किसी हीरोइन को आकर्षण करना चाहता है वो हीरो क्या करता है, वो हीरोइन को सामने कुछ लोगों को इकट्ठा करेगा
इकट्ठा करके खूब उनको साथ में मारपीट करेगा, मारपीट करके जितने सब लोगों को जब भगा देगा मारपीट करके, वो हीरोइन ने सोचा कि बोले वाह वाह ये तो बड़ा पहलवान है। फिर उसकी मन अपने आप आकर्षित हो जाते हैं, कहते ब्रज का हीरो कौन है, बोले बाकी भी है कृष्ण, बोले हीरोइन कौन है, ये ब्रज गोपियां राधा रानी। अभी कृष्ण सोच रहे हैं भैया इनके मन को मैं आकर्षण कैसे करूं, इसलिए कृष्ण को दो लीला करना पड़ा। कितना लीला करना पड़ा, दो लीला, कौन सा? एक तो कृष्ण काली और नाथ बन थे, कृष्ण ने दिखाया। देखो तुम लोग बड़े बड़े नृत्यकार देखे होंगे, जो रस्सी के ऊपर कोई नाचता होगा, कोई तलवार के ऊपर नाचता है, कोई गिलासिया के ऊपर नाचता है, कोई सर के ऊपर में कल से लेकर नाचते हुए देखे होंगे। लेकिन तुम लोग कभी देखे हो कोई सर्प के सर के ऊपर नाचते हुए किसको देखा? इसलिए कालियों की सर सौ सर था, उसने एक साथ में कृष्ण जब उसको सर के ऊपर नृत्य कर रहे थे और चरण की एक एक ठोकर मार मार करके हैं उसकी मुंह से खून की उल्टी होने लग गई। पहले नाग पत्नियां हैं वो बड़े कृष्ण भक्त थी, कृष्ण को भक्ति करते थे, लेकिन वो कालियों को समझाया करते थे देखो ये जो कृष्ण है ना भगवान है, खबरदार इसको साथ में कभी बैरी मत ठानना। लेकिन कालियों का भी बड़ा अभिमान था, बोले गैया को पीछे पीछे दौड़ता रहता है और मक्खन चोरी करता घर घर में, ये भगवान हो गया, ये भगवान भगवान कुछ नहीं, भगवान मैं हूँ है। लेकिन उनकी पत्नियां थी कृष्ण भक्त थी, उनकी कृष्ण कथा सुनाया करती थी, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कृष्ण कथा सुनाया करती थी। इतने में कृष्ण जब उसकी सर पर नृत्य करना शुरू कर दी और चरण के ठोकर मारते थे, मुंह से खून की उल्टी हो रही थी, पत्नियां दूर से देख रही थी, बोले थे मर जाए तो ठीक है, बोले ये मर जाए तो ठीक है, बोले क्यों, बोले एक में तो भजन करता नहीं और हमको भी भक्ति करने देता है, ऐसे पति की क्या जरूरत है जो भजन करता नहीं और हम भक्ति करने में नहीं दे। इसलिए बोले जिनके प्रिय ना राम वैदेही, तेजियो कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मर जाए तो कोई जरूरत नहीं जिंदा रहना, दूर से ऐसे सोच रही थी। लेकिन जब कृष्ण ने उसकी सर पर नृत्य करने लग गए और उसको ऐसे लगा जैसे विश्व ब्रह्मांड का सारे बोझ मेरे सर को भर गया, मुंह से खून की उल्टी होने लग गई। कृष्ण का उम्र कितना था, बोले 6 साल का, बोले हे भगवान इतने छोटा सा बच्चा मेरे सर को पर खड़ा हुआ, ऐसे लग रहा है मानो विश्व ब्रह्मांड मेरे सर को पर आ गया, सचमुच से मेरी पत्नियां जो कहती थी ये सचमुच से भगवान, ये भगवान है, क्योंकि मैंने गरुड़ को साथ में भी युद्ध की है, गरुड़ को साथ में मैंने युद्ध की लेकिन वो भी मेरे कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन मेरे ये सर पर खड़ा हो गया, लगता है सारा दुनिया आ गया, सचमुच से मेरी पत्नियां जो बोलती थी ना ये भगवान है, सचमुच से ये भगवान है। उसने क्या किया, मन मन में उसने प्रणाम किया, ठाकुर जी को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया उसको पत्नियां दूर से देख रही थी, जब उनको पत्नियों ने देखा अभी हमारे जो पति है ना भगत हो गया है, अभी पति कौन हो गया, अब ये कृष्ण भक्त हो गया, क्यों कृष्ण का चरण में उसने शरणापन्न हो गया। फिर उन्होंने देखा भैया ऐसे पति रहने चाहिए जो पति भगवान की भक्ति करे और दोनों मिलकर के भजन करे, ऐसे पति रहने चाहिए, बोले क्यों, कारण है ये जो नाग पत्नियां है ना वो देखने में बड़ी प्यारी थी, बहुत सुंदर थी, अगर किसकी पत्नी बड़ी सुंदरी हो, अगर पति अगर मर जाए बीच में फिर क्या होगा, उसको ऊपर में दूसरे लोग बुरी दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पति है नहीं ना, पति ही नहीं है इसलिए बुरी दृष्टि से देखते हैं। इसलिए अभी ये सोच रही है पत्नियां नहीं पति रहना सही है, अगर दोनों पति पत्नी अगर एक साथ में भजन करे अच्छा लगता है कि नहीं, जिस घर में पति भी भजन करे पत्नी भी भजन करे बच्चे भी भजन करे वो घर क्या है, कहते गृहत कोलो भाई, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वो घर घर नहीं वो घर भगवान की धाम है, ठाकुर जी की धाम है। अभी प्रश्न होता है भैया कालिया तो बड़ा दुष्ट था, बड़ा अहंकारी था, बड़ा दुष्ट था, खल स्वभाव का था, फिर इसके हृदय में भक्ति कैसे फिर आ गई,
इसकी हृदय में प्रभु का प्रति प्रेम कैसा आया? बोले कारण है उसकी जो पत्नियां थी ना वो कृष्ण भक्त थी, पत्नियां बीच बीच में इसको कृष्ण की भक्ति की बात बोला करती थी, तुम भी भक्ति करो, भगवान की भजन करो, भजन में बड़ा आनंद है, बड़े सुख है। उसकी पत्नियां जो कथा सुनाया करती थी, मानो वो जो कथा उसके हृदय में जैसे बीज बो दिया था, उसके हृदय में कृष्ण भक्त के बीज बो गया था। लेकिन जब कृष्ण पर नृत्य करने लग गए, कृष्ण जब नृत्य करने लगे, कृष्ण कौन है? बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश चाहे निरंतर ध्याने। बोले यद्यपि समाधि सो विधिर पश्यति न तव नखाग्र मरीचि, जिनकी चरण की छटा को ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी दर्शन नहीं कर पाते, वह चरण को कहां पर रखे? बोले कालियों को सर पर रखे, कालियों की सर पर रखे। जब सर पर रखे मानो जैसे कि पौधा लगाया, अगर पानी नहीं दोगे तो क्या होगा? सूख जाएगी ना। अगर उसमें पानी दोगे तो क्या होगा? फिर धीरे 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 पनपनाते हुए वो फिर वो लता बढ़ने लग जाती है। भगवान कृष्ण जब इसकी सर पर नृत्य करने लगे, मानो वो पौधा में पानी दे दिया, पानी का काम हो गया, तो बस धीरे 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 लता आ गई है, धीरे धीरे उसमें फूल फल, फिर तो चकाचक फल आ गया। इसलिए भगवान जब उसकी सर पर नृत्य कर रहे थे, बोले उसके कितने सर था? बोले 100 सर। वो एक साथ में कृष्ण को काटना चाह रहा था। वो कृष्ण एक सर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, जब कृष्ण नृत्य कर रहे थे, इतने में स्वर्ग से सारे देवता लोग उतर करके आ गए, बड़े सुंदर वाद्य यंत्र लेकर के, और ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे, और जितने देवता लोग क्या कर रहे थे? बाजा बजा रहे थे। इसलिए हमारे श्री सूरदास जी एक बड़ा सुंदर एक उन्होंने भजन गाते हैं, बोले तांडव गति मुंडन कर नाचत गिरी भाई, 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 लेकिन इसके अंदर में जो अभिमान था, वो अभिमान को मैं दूर करने चाह रहा था, इसलिए उसको मारूंगा नहीं। फिर तो भगवान उसको कृपा की, देखो
उन्होंने रास लीला करने से पहले दो लीला की, कौन की लीला की, एक तो काली एक सर पर नृत्य की, गोपियां राधा रानी जब देख रही थी ना बोले बाबा रे ये तो बड़ा बहादुरी है, हैं हमने बड़े बड़े कलाकारों को नृत्य करने वालों को देखा, जहां पर शंकर भी कहते हैं बम बम बलिहारी, प्रभु आपकी बलिहारी हो, आपकी बलिहारी हो। पहले तो मैं सोच रहा था शंकर जी का नाम क्या है, नटराज, नटराज, लेकिन कृष्ण कौन है बोले नट बर, नट मतलब होता है शंकर जी, बर मतलब होता है पति, शंकर का भी जो पति, इसमें बोले एक मतलब नृत्य कला में है और दूसरे में वैसे ही जब कृष्ण रास करते हैं शंकर जी गोपीश्वर बन करके आते हैं, गोपी बन करके आते हैं ना, अभी गोपियों का पति कौन हुए, अरे बोलो गोपियों का पति कौन है, कृष्ण है, तब नट मतलब शंकर, बर मतलब पति, शंकर का पति हुए कि नहीं शंकर, इसलिए बोले प्रभु आपकी जय जयकार हो, प्रभु जी आपकी जय जयकार हो। और गोपियां राधा रानी तो देख करके एकदम मन प्राण चित्त को कृष्ण चरणों में देते, बोले बाहरी बहुत बड़ा हीरो है, हैं बहुत बड़ा हीरो है। इन्होंने एक लीला की, बोले दूसरी लीला की, बोले उन्होंने श्री रास रचा है, उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने धारण किए, कितने उम्र में धारण किए, जब उनको उम्र था 7 साल, और कितना बड़ा गिरिराज गोवर्धन, कितना बड़ा 7 क्रोश, और कितने दिन तक गिरिराज को धारण किया था, 7 दिन तक उन्होंने धारण किया है। हाँ देखो ये चीज को समझो, भगवान सब भगवान नहीं हो सकते हैं, हैं? अभी अभी तो भारत में तो कितने सारे भगवान 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 आ रहे, कृष्ण तो गिरिराज को उठा लिया, कौन कौन गिरिराज गए हो, कितना बड़ा गिरिराज है, परिक्रमा लगाए हो, कितना घंटा लगी, 6-7 घंटा लगता है गिरिराज को परिक्रमा लगाने के लिए, कृष्ण ने हैं कौन सा हाथ में, कभी कभी हम बोलते हैं ना अरे हमारे लिए कौन सा बड़ी भारी बात, हम तो उसको उल्टा हाथ में कर सकते हैं, उल्टा हाथ में नहीं कनिष्ठ अंगुल में, हैं कनिष्ठ अंगुल के ऊपर नहीं, कृष्ण ने नख को ऊपर श्री गिरिराज को उठा लिया, भगवान ये भगवान है, हैं अभी जिसको भगवान कहते हैं, एक दो क्विंटल पत्थर लाओ और उसका सर पर रख लो, देखना सारे भगवान निकल जाएगा सब, हैं भगवान तो कालियों को सर पर नृत्य किया है, जो उबलता था पानी ऊपर में कोई चिड़िया तक भी नहीं जा सकता था, आस पास में कोई पेड़ पौधा नहीं था, भगवान ने कालियों को सर पर नृत्य की। अभी माता जी ये बच्चे को अपवास हो जाए, तो वहां से खड़े हो जाओ, तुम इधर बैठ जाओ, खड़े हो जाओ वहां से, इधर बैठ जाओ। इसलिए कहते भगवान सभी भगवान नहीं हो सकते हैं, इसलिए भगवान तीन बार भगवान कृष्ण ने दावा नलकों में पान किया है, हैं? अभी जिसको हम भगवान कहते हैं भैया उसको मुंह में थोड़ा आग लगा करके देखो, पता चलेगा कितने बड़े भगवान हैं। अभी भगवान का डेफिनेशन हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, अमुक भगवान अमुक भगवान अमुक भगवान, भगवान कोई नहीं है, भगवान भगवान कोई नहीं, भगवान तो हमारे गांव के लिए है और कोई भगवान नहीं, इसलिए भगवान का डेफिनेशन हम नहीं जानते। देखो वो बच्चा बता रहा था ना, जब से सुखदेव गोस्वामी भागवत को प्रारंभ किए वो पहला शब्द कह रहे हैं रास रचया कौन है, वो जीव नहीं भगवान है, ये ठाकुर जी रास कर रहे थे। कोई कोई कहते ना क्या केवल कृष्ण ही रास कर सकते, हम नहीं रास कर सकते हैं, हम क्या रास नहीं कर सकते, केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। आप लोगों ने शादी किए हो, कौन कौन शादी किए हो, हाथ उठाओ, आपको एक अच्छी बात समझाऊंगा, देखना अगर एक पत्नी को साथ में अगर एक जीवन किसी तरह से बीत गया ना, समझो गंगा में नहा लिया है, गंगा में नहा लिया। एक समय कोई एक लड़की की देखना, जब शादी होती है वो लड़की बहुत रोती है, जब जाती है ससुर घर में वो बहुत रो रही थी, परिवार समझा रहे थे रोना नहीं, बीच बीच में आ जाना हम भी जाएंगे, चिंता मत करो, लेकिन उसकी रोना बंद नहीं हो रही थी। पत्नी ने कहा क्यों रो रहे हो, चुप हो, कब से रोती जा रही है। उसने कहा भैया जीवन में पहला बार मैंने रो लिया, आज से मेरा रोना बंद, कल से तेरा रोना बंद, कल से तेरा शुरू आज से कल रोना शुरू हो जाएगी। इसलिए एक पत्नी को
एक पत्नी के साथ में एक जीवन बिताना आपको पता चला होगा, घर गृहस्थी करते हो, एक पत्नी को संभालना कितने कठिन है। एक समय एक व्यक्ति की दो पत्नी थे, वो पति दिन भर बाहर काम करता है, परेशानी सोचता है घर में जाकर मुझे अपना चैन मिलेगी, पत्नी मीठी मीठी बोली बोलेगी, गर्म गर्म रोटी खिलाएगी, पास में बैठ कर पंखा चलाएगी, लेकिन घर में आओ तो माँ भारत रोज झगड़ा। वो कहती मेरे को उसने ये बताया, उसने कहा पहले मेरे को बताया, बोले यही कर रही थी, इतने लड़ाई दोनों में, पति तो परेशान ही, बोले क्या किया जाए, बोले दोनों को दो मंजिले मकान बना देता हूँ, एक ऊपर रहेगी और एक नीचे रहेगी। अभी जो नीचे रहती है ना, जब पति काम करके आता है पहले से ही बढ़िया बढ़िया खाना बना करके दरवाजे को सामने बैठी रहती है, पति आए तो हाथ पकड़ करके घर नीचे ले जाती है। अभी जो ऊपर रहती है तो परेशानी, बोले रोज की लड़ाई है, अभी क्या किया जाए, बोले इसको मजा सिखा दिया। उसने क्या किया, रोसे बना करके नीचे आकर बैठ गए, बोले आज मैं दिखाती हूँ। जो पति आए ना सीधा पकड़े, बोले रोज रोज नीचे चले जाते हो, ऊपर में बैठ रह जाते, चलो मैं घर कर घर में हाथ पकड़ कर जब ले जा रहे थे ना, इतने में जो नीचे थी बोले भैया मैं भी तो खाना पीना बना कर बैठी हूँ, एक तो हाथ पकड़ कर खींच रही और एक टांग पकड़ रही, अभी कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अभी कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसी समय में एक चोर चोरी करने आया था, वो चोरी क्या करेगा, वो तो नाटक देखना शुरू करते, ये क्या हो रहा है। जब इनकी लड़ाई बाद में खत्म हुई, देखा घर में चोर, बोले भैया चोर घुसा हुआ घर में, उसको पुलिस को पास में ले गए, बोले भैया इसको क्या सजा देनी चाहिए। चोर कहता है भैया जो सजा देना दो, लेकिन एक सजा मेरे को मत दिया करो। बोले क्या है, बोले मेरे घर में दो बीवी नहीं होनी चाहिए, ये सजा को मत दिया करो। लेकिन भगवान कृष्ण जब रास कर रहे थे, कितने गोपियां थी, बोले 100 करोड़ गोपियां थी, हर गोपी देख रहे थे कृष्ण मेरे पास में, कृष्ण मेरे पास में। एक दिन नारद जी भी चक्कर में पड़ गए, बोले भैया घर में अगर दो पत्नी होना, दिन भर घर में महाभारत चलता है, लेकिन कृष्ण इतने पत्नियों को संभाल कैसे रहे हैं। एक दिन कृष्ण द्वारका में पहुंचे, सबसे पहले रुक्मिणी के घर में प्रवेश किया, देखा ठाकुर जी रुक्मिणी को साथ में बैठकर चौपट खेल रहे थे। जब नारद जी पहुंचे, बोले प्रभु आप तो बड़े दिनों में आए, बड़े दिनों में आए, चरण धोए, ठाकुर नारद की सेवा की। जब उनको सेवा करके नारद जो विदाई दिया, फिर उन्हें सत्य बाबा को घर में गए, देखा ठाकुर जी यज्ञ कर रहे थे और यहीं से वहीं गए, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं, बोले नारद जी आप तो बड़े दिनों में आए हो। नारद बोले अभी हमने तो ठाकुर विदाई दिया, दूसरे घर में दूसरे दिया, कहते यहाँ पर कहते बड़े दिनों में आए। उन्होंने जिन जिन घर में गए ना, 108 महलों में ठाकुर को अलग अलग लीला करते हुए देखे और हर घर में ठाकुर जी पूजा कर रहे थे, बोले बड़े दिनों में आए। बोले भैया कहीं आए सब तो संभाल सकते हैं, ऐसे बर को क्या मरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरियो गोपाल जो सुजो जो चुड़ल अमर हो जाए, इसलिए आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो, क्या बना दो, गोपी बना दो। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जो रास रचे या जीव नहीं भगवान, कौन है भगवान, भगवान मतलब भग मतलब होता है ऐश्वर्य, बाण मतलब अधिकारी, जैसे धनवान बलवान उसी तरह भगवान, भग मतलब ऐश्वर्य, जिसको अंदर में 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप में हो, थोड़ी मोटी नहीं परिपूर्ण रूप में जिनको अंदर में हो, वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र केवल बांके बिहारी और कोई भगवान भगवान नहीं। इसलिए आप लोग इधर उधर भगवान के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो थक जाओगे, हैं थक जाओगे। देखो मैं उड़ीसा का हूँ, हमारे देश में एक भगवान निकला था, जानते हो क्या करता था, वो थोड़ी जादू भात जानता था, जब ऐसे हाथ करता था उसके हाथ से तुलसी पत्ता निकलता था और शहद निकलता था उसके हाथ से, हैं सांड से दूध निकला करता था, बड़ी बड़े आश्चर्य कितना चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार, ऐसे ऐसे काम करता था। उड़ीसा में आप सोच नहीं सकते, घर घर में उसकी पूजा होने लग गई, सब लोग उसको गले में ये पदक पता है ना,
लकड़ी जो पहनते हो उसको बना करके पहनते थे, घर घर में पूजा होते थे। आप सोच नहीं सकते भगवान बोल करके पूरा उड़ीसा में उसकी टहलका मच गई। लेकिन ऐसे काम से फंसे, इतने गंदे काम से पकड़े गए जो सोच नहीं सकते, अभी वो व्यक्ति जेल में बैठा हुआ है, जेल में बिता रहा है। इसलिए हम कलयुग का जीव है, थोड़ी मोरी इसकी विभूति देख लिया तो भगवान बोल करके पीछे मत पड़ा करो। हम मूर्ख लोग हैं, भगवान के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। भगवान तो हमारे कृष्ण ही भगवान है, राम ही भगवान है, नारायण भगवान है, हैं? और कोई भगवान भगवान कोई नहीं। इसलिए आप इन्हीं से ही संतुष्ट रहो, इधर उधर में फंसा फंसना नहीं तो जीवन तुम्हारी मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, बसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। इसलिए कृष्ण गिरिराज की पूजा क्यों प्रारंभ कराए? जब कृष्ण ने गिरिराज उठाए, गोपियां देख देख करके बोले बाबा रे ये बड़ा पहलवान है, हैं? कनिष्ठ अंगुल को ऊपर में गिरिराज गोवर्धन, 7 दिन तक 10 मिनट से हाथ रखो तो रख नहीं सकते हो, और गिरिराज को जिसने कनिष्ठ अंगुल पर रख दिए। इसलिए भगवान जब गिरिराज गोवर्धन को धारण की, भगवान जब गिरिराज में पूजा की, इंद्र को जब पता चला कृष्ण ने मेरी पूजा बंद करवा करके ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवा रहा है, इंद्र को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने आदेश दिया, संवर्तक मेघ 49 पवनों का आदेश दिया, ऐसे ब्रज में बारिश हो, ऐसे ओले गिरे और ऐसे आंधी तूफान आए जैसे ब्रज नाम का कोई गांव जैसे नहीं रह जाए, मानो ब्रज में प्रलय आ गया। जितने सारे ब्रजवासी कृष्ण शरण में गए, बोले प्रभु तुम्हारी बात सुन करके हमने देखो इंद्र पूजा बंद करवा दिया, देखो ये इंद्र क्या कर रहा है, हैं? बोले चिंता मत करो, हम सबके सब गिरिराज की पूजा की, चलो सारे सामान को लेकर के गिरिराज की तलहट में जाओ। और कृष्ण जैसे कि छोटा बच्चा जैसे छतरी को उठा देता है, कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को उठा लिए। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय हो, श्री गोवर्धन बाबा की जय हो। बोले ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो, गिरिराज के नीचे आ जाओ। और इंद्र ने 7 दिन तक जी जान उसने लगा दी। 7 दिन के बाद में एक दूतों को भेजा, बोले भैया देख करके आओ ब्रज की सत्यानाश हो गया कि नहीं। एक दूत आया, बोले ऊपर ऊपर देखा, इंद्र के पास में वापस गया, बोले महाराज इंद्र एक चिट्ठी तक भी नहीं, सब खत्म। इंद्र ने दूसरे दूत को भेजा, भैया तू देख कर का उससे, वो तो ऊपर ऊपर देख कर गया था, उसने नीचे आया देखा वहां पर तो धूल उड़ रहा था, एक चिट्ठी तक भी मरे नहीं, वहां पर ब्रज में तो होली हो रही थी, सबके सब नाच रहे गा रहे, कृष्ण की मुखार बिंदु को दर्शन करते हुए इतने खुश सबके सब थे। बोले आज भी रज में होरी रे रसिया, 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 होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, Oh, yeah.
परिषद प्रसन्न सबके सब आग लग गए हो सब आग खोले सबके सब बसी वृंदावन बिहारी सबके सब आनंद ले रहे थे। जब उसने वापस गया इंद्र ने कहा देखो ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले क्या ब्रजवासियों का सत्यानाश ना तेरे सत्यानाश हो गया। बोले मतलब बोले जिसको तुम साधारण बालक समझ रखा था वो बालक नहीं उसने गिरिराज गोवर्धन को उसने कनिष्ठ अंगुल को उठा करके रखे और जितने सारे ब्रजवासी उसको नीचे आनंद उत्सव हो रहा था धूल उड़ रहा था। इंद्र ने देखा भैया तेरी बच्चा कौन है तो उन्होंने ध्यान लगाया ध्यान लगा करके देखा वो तो उनकी प्रभु है जिन्होंने कृपा करके उनको ये इंद्र पद दिया था। इंद्र पद को तो बलि नहीं छीन लिया था लेकिन ठाकुर जी कृपा करके उनको इंद्र पद को वापस दिया था। इसलिए जब देखा ये मेरे प्रभु है भय तो इंद्र इतने घबराए इतना घबराया इंद्र पर लगता है मेरी इंद्र पद ही छिन गया। उन्हें अपना गुरु जी के पास में गए बोले गुरु जी बताओ मेरे को क्या करनी चाहिए। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता बोले चलो ब्रह्मा जी को पास में। जब ब्रह्मा जी को पास में गए बोले तुमने सत्यानाश कर दिया। ये कृष्ण ऐसे एक अवतार हुए सभी का उन्होंने अभिमान को तोड़ा किसी को छोड़े नहीं ये ऐसे एक अवतार है। कुछ दिन पहले मैं भी बड़े बुरी तरह से मैं फंस लिया था बोले आप भी फंस गए थे बोले हाँ बोले कैसे बोले कृष्ण जब उन्होंने अघासुर को मारे वो इतने भयंकर दैत्य था जिनके नाम से देवता लोग भी कांपते थे लेकिन कृष्ण को जब केवल 5 साल था उम्र उसी उम्र में उन्होंने अघासुर को मारे। जब अघासुर को मारे सारे देवता लोग जयकार दिए बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोई जयकार ठीक से नहीं मिला कोई जय कोई है बोलते जोर बोला बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब उन्होंने जयकार किए ये जयकार धीरे धीरे भूत भूव मोह जन्म और सत्य लोग में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने देखा भैया ये ब्रजवासी जय जयकार किसकी दे रहे। ब्रह्मा जी उतर करके आए जब उत्तर करके आए फिर उन्होंने आश्चर्य घटना देखा क्या देखा कृष्ण 5 साल उम्र में ही अघासुर को मारे। कृष्ण जब उसके मुंह से निकले ये ब्रह्म तालु फट गई अघासुर की और एक ज्योति जो ऊपर में घूम रहा था वो ज्योति कृष्ण का शरीर में समा गया। ब्रह्मा बोले भैया ये बालक देखो ब्रह्मा ज्योति जिनके शरीर में समाया। फिर कृष्ण सखाओं के साथ में गए जमुना किनारे में बैठ करके कोई मालपुआ कोई पकौड़ा कोई दूध भात दही भात लाए थे सबके सब भोजन कर रहे थे और कृष्ण बीच में बैठे हुए 1000 सखाएं बैठे हुए हैं लेकिन हर सखाएं देख रहे थे कृष्ण मेरे पास में बैठे हुए और खुद खा कर भी कृष्ण को खिला रहे थे। इतने में एक सखा ने कहा कन्हैया मेरी जो मैया है ना बड़ा सुंदर छाछ भेजो। कृष्ण ने कहा क्या तू अकेले पियोगे मेरे को दोगे नहीं। वो जो मटकी था ना दोनों तक खचाता नहीं करना शुरू कर दिया। कृष्ण कहते मेरे को तो सखा बोलते नहीं इतने बढ़िया छाछ तू तेरी मैं पीऊंगा है। ऐसे करते करते ना वो छाछ छलक करके वो सखा की छाती पर गिरा और कृष्ण जीभ लगा कर चाट रहे थे। बोले बाप बड़ा सुंदर छाछ तेरे भैया ने भेजी। ब्रह्मा जी ने देखा भैया ये कौन सा भगवान जिनको झूठा रुपन को बताए क्योंकि ब्रह्मा कौन है वो नारायण की भक्त है और नारायण की जो भक्ति वो ऐश्वर्य मार्ग में होता है लेकिन जो कृष्ण का भक्ति माधुर्य भाव से। ब्रज में कृष्ण कोई भगवान नहीं मानते कोई कहते मेरे हमारी सखा है कोई कहता है हमारे लाला है कोई कहते है हमारी प्रियतम है। विश्व ब्रह्मांड में जिनकी सेवा होता है ब्रज में कृष्ण सबकी सेवा करते हैं है? सबकी कृष्ण सेवा करते हैं। अभी ब्रह्मा तो नारायण का भक्त माँ ये तो ऐश्वर्य भक्ति करने वाले ये तो माधुर्य ब्रज में माधुर्य भक्ति है। अभी तो ब्रह्मा जी का दिमाग चकराया बोले भैया ये कैसे भगवान जिनको झूठन फूटन की भी पता नहीं है झूठन फूटन जो नहीं जानता। फिर थोड़ी सी आगे लीला देखने के लिए कृष्ण की जो बछड़े था ना ब्रह्मा जी बछड़े को चुरा लिया। सखा ने बोले कन्हैया हमारे बछड़े तो यही चल रहे थे गए कहां। कृष्ण ने कहा तुम बैठो मैं देखता हूँ।
कृष्ण जब गए उनको ढूंढने के लिए ब्रह्मा, फिर इनको सबके सखाओं को उठा करके ले गया और एक गुफा में इनको बंद कर दी। कृष्ण ने देखा सब गए कहा, ये सबके सब गए कहा। इतने में जोग माया ने इनकी स्मरण कराया, बोले हे प्रभु ब्रह्मा अब की लीला को समझ नहीं पाए, इसलिए ब्रह्मा ने ये सारे काम को किए। इतने में कृष्ण ने किया कि जैसे बछड़े, जैसे सखा, जैसे बोली, जैसे चलना, सब कुछ कृष्ण अपना शरीर से प्रकट किया। कृष्ण खुद खुद को साथ में प्रभु लीला कर रहे थे। इतने में ब्रह्मा जब उसको चुरा करके ब्रह्मलोक में गए ना, वो ब्रह्मा ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन गए। उसको पहले पहुंच गए ब्रह्मलोक में जो दरबार थे ना, बोले देख मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को घूमते हुए, अगर कोई मेरे जैसे आए तो घुसने मत देना। कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बनकर बैठ गए। जो असली ब्रह्मा जो पहुंचा, उसका जो नौकर लोग थे ना दरबार लोग, डंडा लेकर के ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। बोले प्रभु तो सही कह रहे थे, कुछ बहु रुपया को तुम कहां से ये चार सर लगा लेके आया, हमारे प्रभु तो अंदर में बैठे थे। ब्रह्मा बोले भैया ये क्या हो रहा है, मेरे नौकर मेरे को मार रहे हैं, मेरे नौकर मेरे को भगा रहे हैं, पर ये ब्रह्मा बनकर बैठ गया कौन? ध्यान लगाया ना, कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन करके उसका आसन को दखल कर दिए। ब्रह्मा गए और आए, ब्रह्मलोक में गए, उधर का समय इधर का समय में ठहर गए, गए और आते आते किसी जगत में हो गया एक साल। और एक साल बाद में आकर के देखा कृष्ण जैसे लीला कर रहे थे, प्रभु ठीक वैसे लीला कर रहे। फिर ब्रह्मा को चकरा है, बोले इनको तो लेकर मेरे गुफा में बंद करके रखा, फिर कहां से ले आए, वहां पर देखा नहीं, वो तो वैसे वैसे है। एक साथ उन्होंने दोनों तरफ में देखा, चार सर है ना, इधर दो सर इधर दो सर। भगवान ने दिखाया, देखो ब्रह्मा ये बछड़े सखा कौन है, वो तो एक नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की जन्म हुई। इन्होंने देखो अनंत करोड़ नारायण, जितने सखा जितने बछड़े सबके सब नारायण नारायण। फिर ब्रह्मा समझ गए ये कृष्ण कौन है, मेरे बाप का बाप का बाप ये कृष्ण है। अरे ब्रह्मा जी हंस वाहन से कूद पड़े, सीधा कृष्ण की चरण में लेट गए, आंखों की आंसुओं से ब्रह्मा जी की चरण को अभिषेक, कृष्ण चरण को अभिषेक की और आंख को मलते मलते खड़े हुए और भगवान को स्तुति करते हैं। बड़ा सुंदर सुंदर उनने स्तुति की है, हम कोशिश करेंगे एक दो इनकी स्तुति सुनने के लिए। ब्रह्मा कौन है देखो, ध्यान देकर सुनो, हमारा जो संप्रदाय है ना, हमारा संप्रदाय का नाम है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। बोलो तो क्या है, मैंने क्या बोला, बोलो यदि ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय मतलब क्या, ये चीज को समझो। भगवान सर्वप्रथम जो ज्ञान है कृष्ण ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी उसी ज्ञान को नारद जी को दिए, फिर नारद जी उसी ज्ञान को उन्होंने व्यास देव को दिए, फिर व्यास देव उसी ज्ञान को फिर मध्वाचार्य को दिए। ऐसे करते करते ये सत्य युग से, इसलिए कृष्ण कहते हैं ना मैं कौन हूं, मैंने सनातन हूं, मैं सनातन हूं है, इसलिए वही ज्ञान भगवान कृष्ण से धीरे 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 श्री चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचे। फिर चैतन्य महाप्रभु का भक्त हुए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, फिर उन्होंने उसी ज्ञान को फिर प्रदान करते हैं नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास। फिर वही ज्ञान आते आते श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के पास में आए, वही ज्ञान फिर देखो यहाँ जो महापुरुष बैठे हुए हमारे से भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज, उन्होंने फिर वही ज्ञान इनको दिया, फिर यही ज्ञान उन्होंने हम सबको पहुंचाया। इसलिए ज्ञान कहाँ से आए, ब्रह्मा जी से। सर्वप्रथम भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा हुए, भगवान के बेटा हुआ ब्रह्मा और ब्रह्म संप्रदाय, इसलिए हमारा संप्रदाय का नाम है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। इसलिए पद्म पुराण में बताए मंत्र हमें कहां से ग्रहण करने चाहिए, कहते ना गुरु कर जान के और पानी पियो छान के, गुरु करनी चाहिए जहां का गुरु नहीं करनी चाहिए मना कर दिया, कहां से करनी चाहिए शास्त्र कहता है ये चार वैष्णव संप्रदाय।
ये चार ही वैष्णव संप्रदाय से, कोई एक वैष्णव संप्रदाय से जब हम जुड़ेंगे, ये जो ज्ञान कहाँ से आ रहे हैं, भगवान स्वयं ब्रह्मा, ब्रह्मा नारद, ये अखंड रूप में ठाकुर जिसे ये ज्ञान आया है। अगर इसी लाइन में अगर हम खड़े होंगे ना, जैसे कोई चीज बिक रहा है, अगर सही लाइन में अगर खड़े होंगे, कभी ना कभी तो लाइन नंबर तो आ जाएगा। अगर बगर लाइन में खड़े होंगे, जिंदगी भर खड़े हो जाओगे, लेकिन लाइन में तुमको नंबर नहीं आएगा। लेकिन शास्त्र कहता है अगर भक्ति करना तो ये वैष्णव संप्रदाय में ही अंतर्भुक्त होकर के जब मंत्र ग्रहण करोगे, वो मंत्र एक दिन जरूर तुम्हें ठाकुर तक पहुंचाएंगे। अगर वैष्णव संप्रदाय नहीं हो, अगर और कहीं मंत्र लोगे, देखो पद्म पुराण का श्लोक है, कहते अवैष्णव उपदेष्टन मंत्रेण निरयं ब्रजे। अगर वैष्णव संप्रदाय नहीं हो ना, कहते अगर मंत्र ग्रहण किया तो ऊपर नहीं जाओगे, नीचे जाओगे, ऊपर नहीं जाओगे, नीचे जाओगे। इसलिए किसी संप्रदाय मंत्र ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन अगर हमें ज्ञान ही नहीं था, लेकिन हम कहीं अलग ऑलरेडी कहीं मंत्र ले चुके, लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं था, ऐसे बात हो, शास्त्र कहता है पुनश्च विधिनाम सामग्री, पुनः विधि विधान को साथ में ग्रहेत वैष्णवात गुरु, पुनः वैष्णव गुरु ग्रहण करनी चाहिए। हैं, इसलिए ब्रह्मा ये हमारी गुरु है। ब्रह्मा कौन हुए? हमारी पहला गुरु हो गए ब्रह्मा, हम उसी परंपरा में आए। इसलिए ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर सुंदर बात बताते हैं। देखो इनके एक दो श्लोक हम सुनेंगे, ब्रह्मा क्या कहते हैं। बोले ज्ञाने प्रयास मुदुपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरीता भवदीय वार्ताम् स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुमांग मनोभि जे प्रायस अजित जितो अपित्रलोक्यान्। कहते भगवान का अच्छी तरह सुने, अच्छी तरह समझ ले आगे की। कहते भगवान का एक नाम अजित, अजित मतलब क्या, जिसको जितना बड़ा कठिन है, जिनको पाना है बड़ा कठिन है। फिर प्रश्न होता है अगर भगवान का नाम अजीत है, जिसको जितना पाना कठिन है, फिर क्या उनको पा नहीं सकते? फिर ठाकुर जी हमें मिलेंगे नहीं? ब्रह्मा जी कहते नहीं, ठाकुर मिलेंगे। फिर कैसे मिलेंगे? बोले ज्ञानी प्रयास मुदुपास। कहते पहला नंबर है हमारी अंदर में जितने अभिमान है, हैं? अरे हम इतने लिखे पड़े, इतने पैसा वाले, इतने हमारी मान इज्जत है। कहते भैया सारे अभिमान को छोड़ो पहले। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, कहते तुम्हारी कितना सर है? बोले एक। बोले मेरे कितना सर? बोले चार सर हूँ। बोले मैं कौन हूँ? बोले दुनिया को सृष्टि करने वाला मैं हूँ, दुनिया को मैंने सृष्टि की, लेकिन मैं ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी प्रभु की माया को मैं समझ नहीं पाया। इसलिए ब्रह्मा जी लास्ट में बोलेंगे, प्रभु ये पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकता है, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते, लेकिन तेरी माया को कोई नहीं पार पा सकते, तेरे महिमा को कोई नहीं पार सकते। प्रभु तेरी महिमा समझना बड़ा कठिन है प्रभु। इसलिए पहले सारे अभिमान को त्याग दो। त्याग देकर क्या करो? कहते नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरीतं भवदीय वार्ता। किसी किसी शुद्ध साधु की शरण में जाओ, जो शुद्ध वैष्णव परंपरा में आए उनकी शरण में जाओ, और उनकी चरण में रहते हुए भगवान की भक्ति करो। कैसे? बोले तन बांह मन, काय मन और वाक्यों को द्वारा क्या करो? भगवान की कथा को सुनो। बोले भैया कथा तो कान से सुनते हैं, आप कह रहे हो शरीर से कथा सुननी चाहिए। शरीर से कैसे कथा सुने? बोले शरीर से कथा सुनना मतलब है जैसे जहाँ कथा हो रही है, हैं? देखो ध्यान देकर सुनो, जहाँ कथा हो रही है ऐसे नहीं गए और बैठ गए, नहीं, जहाँ कथा हो रही है पहले जाकर के उस स्थान को प्रणाम करो, क्योंकि जहाँ भगवान की कथा होती है वो स्थान पवित्र है। मतलब पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर निवास करते हैं जहाँ पर प्रभु की कथा हो रही है। इसलिए जाकर क्या करो? पहले उस स्थान को प्रणाम करो, उसके बाद में जो कथा सुन रहे हैं सबको प्रणाम करो, जो कथा बोल रहे हैं उनको प्रणाम करो, हैं? प्रणाम करो। इसलिए कहा है, बोले मन, एक तो शरीर से, दूसरा मन। बोले मन से मतलब
जैसे यहाँ कथा हो रही है, कथा में बैठे हो, अगर मन घर में हो, पता नहीं पत्नी क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, घर में तो नहीं आ गए, कल उनको भोजन कौन देगा। अगर यहाँ शरीर से बैठे हो, अगर मन और कहीं है, फिर कथा सुनना थोड़ी हुआ है। इसलिए पहले मन तो होनी चाहिए, इसलिए एक मन से कथा सुना। तन बांग मनोही, बोले पानी, बोले पानी मतलब जैसे कथा सुने हो, कथा सुन करके क्या करो, जाकर के दूसरों को भी सुना। ऐसे नहीं खुद कथा सुने हैं लेकिन दूसरों को नहीं सुनाए, नहीं दूसरों को भी कथा सुनाओ। जो कथा सुने अपने घर में जाओ, बच्चों को सुनाओ, पतियों को सुनाओ, परिवार को सुनाओ, सबको भी भगवान की कथा सुनाओ। इसलिए जो व्यक्ति ये काय मन वाक्य से भगवान की कथा सुनते हैं और क्या करते हैं, बोले स्थाने स्थिता, बोले स्थाने स्थिता मतलब हाँ देखो ये चीज अच्छी तरह समझो। अगर किसको बोलो ना भैया भक्ति करो, हरि नाम माला लेकर भजन करो, बोले नहीं अभी बच्चों का शादी करवा देना, अभी बच्चों का शादी नहीं हुई है, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, जब इनकी शादी शुदा हो जाएगी और घर का काम जो पूरा निपट जाएगा ना, फिर तो एक मन से भजन करूंगा। आप लोग ये बताओ अभी तो संसार का काम को भी निपटा भाई, बोलो खुद निपट जाओगे लेकिन ये काम नहीं निपटेगा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कल कर सो, कल कर सो आज करो, और आज कर सो आप। इसलिए पल में प्रलय होगी बहुरी रहेगी काम, बोले भगवान की भक्ति के लिए देर मत करो, दूसरे काम के लिए थोड़ा देर कर दो, वो काम है दूसरे काम होती रहेगी लेकिन भगवान की भक्ति के लिए देर मत करो। देखो आप लोगों ने जब भगवान ने राम ने रावण को मारे, अभी रावण अभी लेट हुए युद्ध भूमि में, लेट हुई मरने वाले, इतने में भगवान ने राम लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण ये जो रावण है ना ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, जा उससे कुछ अंतिम उपदेश लेकर के आओ, आप लोग भी उपदेश लेकर जाओ। इसलिए अंतिम उपदेश लेकर के आओ। लक्ष्मण गए बोले प्रभु जी आपको पास में भेजे कुछ अंतिम उपदेश सुनने के लिए, आप हमको अंतिम कुछ, आप तो मरने वाले हो बहुत बड़े वैज्ञ थे, कुछ हमें कुछ उपदेश देकर के जाओ। बोले लक्ष्मण मेरे से दो गलती हो गई है, इसलिए ये दो गलती कभी जिंदगी में नहीं करना। बोले कौन सा गलती, बोले मैं ये सोच रहा था ये जो समुद्र पानी है ना पूरा नमकीन है, हैं? इसलिए एक भाग स्थल और तीन भाग जल, लेकिन तीन भाग तो पानी समुद्र का लेकिन वो किसका प्यास नहीं बुझा सकता क्योंकि पानी नमकीन है। मैं सोच रहा था पूरा समुद्र पानी को मैं क्या मीठा बना दूं, अगर मीठा बना देता ना मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं थी। मैंने कहा तो बना दूंगा, कोई कौन सा बड़ी भारी बात, चुटकी बजाते ही बना दूंगा। अगर इस पानी को अगर मीठा बना देता ना, जो ये पानी को पीता क्या बोलता, भैया ये पानी को मीठा किसने बनाया, बोले रावण ने। सबके सब हृदय से करके आशीर्वाद देते, मैं तो अपने आप स्वर्ग पहुंच जाता। दूसरा इच्छा थी दुनिया स्वर्ग जाना चाहते हैं, मैं सोच रहा था स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना दो, अगर मैं सीढ़ी बना देता तो लोग स्वर्ग में जाते तो बोलते भैया सीढ़ी बनाया किसने, बोले रावण ने। हृदय से आशीर्वाद देते, मैंने सोचा भैया तो मेरे लिए तो कोई बड़ी भारी बात नहीं, चुटकी बजाते ही बना दूंगा, लेकिन ये दो काम मैंने नहीं कर पाए, हैं? नहीं कर पाए। इसलिए कोई शुभ काम होना कभी उसके लिए देर नहीं करनी चाहिए। हाँ देखो जगत में सबसे शुभ काम क्या जानते हो, बताओ जगत में सबसे शुभ काम क्या है, बोलोगे नहीं बेटा बेटियों की शादी करवाना, नौकरी माना, बिजनेस लग जाए, बोले नहीं ये शुभ काम नहीं। सबसे शुभ काम है जिस दिन हम भगवान के भजन में लग जाए, इससे बड़ा शुभ जगत में कुछ है नहीं। इसलिए भगवान के तृणा जते न पते अनुभूत जावत, भैया जितना जल्दी से जल्दी क्या करो भगवान की भजन में लग जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Jor se bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram
इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं क्या करो, स्थाने स्थिताम, ठाकुर जी जिस अवस्था में रखे ना उसी अवस्था में रहते हुए क्या करो, भगवान की भजन करो, क्योंकि आगे तभी बढ़िया स्थिति आएगी जब भगवान की भजन करोगे। भजन किए बगैर कभी भी सोच नहीं सकते हो आगे कोई बढ़िया स्थिति आएगी। इसलिए कहते ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे तो जीवन को बिता देते हैं भक्ति करते करते, भगवान अजीत होने पर भी भगवान उसको एक दिन उसका प्रेम में ठाकुर जी वशीभूत हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे लेकिन कृष्णा ना उनको तरफ में ध्यान नहीं दे रहे थे, कृष्ण मस्ती ले रहे थे सखाओं के साथ में, सखाओं को कंधे पर हाथ दे करके सखा लोग ब्रह्मा को खिली उड़ा रहे थे, ये चौमा कहाँ से आ गया, चार मुंह वाले कहाँ से आ गए, खिली उड़ा रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा भैया अभी तक तो मैंने कृष्ण की स्तुति करते करते देखा है, अभी तक कृष्ण खुश नहीं हुए, अभी उनकी भक्तों को थोड़ा स्तुति करके देखता हूँ कृष्ण खुश होते कि नहीं। फिर ब्रह्मा जी बोले अवभाग्यम अवभाग्यम नंद गोप ब्रज उपसम जन्मित परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोले हे प्रभु ये ब्रजवासियों ने इसे कौन सा सौभाग्य किया है, कृष्ण कौन है, पूर्ण है ये ब्रह्म है ये सनातन है, लेकिन ये पूर्ण ब्रह्म सनातन होते हुए भी सखा का सखा भी है। अगर सखा को कोई फल मिले ना पहले खा ले तो बोले कन्हैया फल बड़ा मीठो है, सखा लोग बोले तू सारे तू अकेले खाओगे, वो ऑलरेडी खा चुके हैं, कृष्ण छीन कर उसको खाते हैं, बोले इतने मीठे मीठो फल तू अकेला खा रहा था है। और कहते पूर्ण ब्रह्म सनातन मैया जो सदा कन्हैया को उखल में बांध देती है, अगर कभी कृष्ण मक्खन खाए मैया बोले लगते ने मक्खन खाई, कृष्ण डर से बोल देते हैं क्या बोलते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही मां कर्ण खायो सुन मैया मोरी मैंने ही मां कर्ण खायो सुन मैया मोरी मैंने ही मां कर्ण खायो सुन मैया लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन है। बोले क्यों भैया मेरी शादी नहीं होगी। बोले बताओ शादी कैसे होगी, पूरा ब्रज में हला हो रहा है, तू घर घर में मक्खन चोरी करते हो, बताओ चोर को कोई अपना बेटी देगा, बताओ लगता है तू कुमार का कुमार रह जाओ, तेरे शादी वादी कुछ नहीं होगी। कृष्ण ने देखा भैया बड़ा गड़बड़ी हो गई, मैया कहती मेरी शादी नहीं होगी और सारा दुनिया शादी में पागल होते है। कृष्ण ने सोचा मैया को मैं ऐसे एग्जाम्पल दू ना मैया को विश्वास हो जाए सचमुच से मैं मक्खन चोरी नहीं की। देखो कृष्ण क्या गजब के उदाहरण दिए, बोले मैया मोरी मैं नहीं, बोले मैया ये बताओ भोर भयो गई अनुप पाचे मधुवन मोय पठाओ, बोले चार प्रहर मधुवन भट को सांझ पड़ भरायो, दिन भर मैंने मधुवन में गैया चराया रात को शाम को आया तेरे गोद में रात भर सोया, बोले भैया बता दे मक्खन मैंने कब चोरी की। फिर क्या कहते हैं, बोले मैं बालक बहन को छोड़ो मैं बालक बहन को छोड़ो कान भी तुझे ते पायो सुन भैया क्योंकि दुनिया मेरे को चोर कहते, तू भी चोर कहते हो, लगता है मेरे को किसी ने जन्म देकर कहीं फेंक दिया था और तुमने वहां से उठा करके ला करके
मेरे को भरण पोषण कर रही हो, इसलिए दुनिया चोर तुम भी मेरे को चोर कहते हो। इतना बोलते ही तो मैया का हृदय एकदम पानी पानी हो गया। इतने में मैया ने कन्हैया को गोद में भर ले दिए, बोले नहीं लाला तेने मथर चोरी नहीं की, तेने नहीं की। फिर कृष्ण क्या बोलते हैं, बोले मैया मोरी मैं नहीं मां खायो, बोले मैया मोरी ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले हे प्रभु ये ब्रजवासियों ने ऐसे कौन सा पुण्य की, कहां तू परम ब्रह्म प्राप्त कर तत्व हो, मैया मेरे को मारे नहीं, इसलिए तू क्या करते झूठ बोल देते हो। मैया बोली मैं नहीं मां कर्म खायो, हैं ऐसे कौन सा ऐसे कर्म की जो उन्ना इतना बोले ना। इतना बोलते ही ब्रह्मा जी की हैं, इतने में कृष्ण को थोड़ा मुस्कुरा, कृष्ण ने मुस्कुरा दिया। जब कृष्ण ने मुस्कुरा दिए ब्रह्मा को पता चला कृष्ण का कमजोर कहां पर। अब लोग समझ गए कि नहीं, कृष्ण शिक्षा देते हैं अगर मेरे को प्रसन्न करना चाहते हो मेरे स्तुति तप से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ उससे ज्यादा संतुष्ट होता हूँ, जब मेरे भक्तों को कोई स्तुति तप करे उससे मैं ज्यादा संतुष्ट उसमें होता हूँ। फिर ब्रह्मा जी भगवान की चरण में प्रणाम की और उनकी तीन बार परिक्रमा लगाए, बोले जब तक रहूंगा प्रभु की लीला में बाधा करूंगा, और ब्रह्मा जी वहां से चले गए। लेकिन उन्होंने देखा ठाकुर तो माफी तो मांगा ठाकुर को, लेकिन ठाकुर जी पूरे ना पूरे मेरे ऊपर में खुश नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी फिर तपस्या किया। जब तपस्या किया भगवान उसके हृदय में, बोले देखो ब्रह्मा मैं फिर कलयुग में मैं आने वाला हूँ। बोले बताओ भगवान कलयुग में किस रूप में आए, कौन बोलेगा? इसलिए भगवान इंद्र को अपना अंतर की बात बताई, बोले देखो मैं वही कृष्ण हूँ कलयुग में श्री नवद्वीप धाम में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आऊंगा। जब मैं गौरव हरि बन करके आऊंगा मैं राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर के आऊंगा। इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार में मैं किसको जान से नहीं मानूंगा, है जैसे रामा अवतार में उठाया धनुष लगता खत्म, कृष्ण अवतार में उठाया चक्र, हैं उल्टा पुल्टा कोई क्या जिसको छोड़े नहीं सबको मार दिए, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए उन्होंने किसी को नहीं मारे, हैं प्राण काय ना मारी लो, उन्होंने प्राण से किसी को नहीं मारे, सबको हरिनाम दिए, हरिनाम देकर उनके हृदय को उन्होंने हृदय को बदला दिए और इनके हृदय में कृष्ण प्रेम को दे दिए। इसलिए ब्रह्मा जी देखा यही कृष्ण ही कलयुग में श्री नवद्वीप धाम में श्री गौर हरि बन करके आएंगे और विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण प्रेम की बाढ़ में विश्व ब्रह्मांड को डुबाएंगे। और एक दिन ऐसे होगा काले गोरे विश्व ब्रह्मांड में गली गलियों में शहर शहर में भगवान के नाम गूंज उठेगा और सबके सब प्रसन्न होकर के बलसी वृंदावन बिहारी लाल की हिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। फिर ब्रह्मा जी कलयुग में फिर महाप्रभु का भक्त बन करके आए, बताओ क्या बन करके आए ब्रह्मा जी कलयुग में महाप्रभु का कौन सा भक्त बन करके आए, जोर बोलो जोर से बोलो, हाँ हरिदास ठाकुर। ये बच्चे के लिए ताली हो जाओ जोर से, इसलिए उन्होंने हरिदास ठाकुर बन करके आए और उन्हें दिन में तीन तीन लाख हरिनाम करते थे। कितना लाख? 1 लाख हरिनाम तो जोर जोर से करते थे। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम
तीन तीन लाख दिन में हरिनाम करते थे। इसलिए जितने कृष्ण देखो जितने कृष्ण चरण में अपराध किया ना, ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बन करके आए, फिर इंद्र, इंद्र भी महाप्रभु लीला में, फिर इंद्र भी जन्म लेकर के आए महाप्रभु धाम में, फिर तपस्या की, फिर भगवान उनको पर महाप्रभु दर्शन दिया, उनको कृपा की है। इसलिए सबके सब नवद्वीप धाम में आए और सबके सब महाप्रभु कृपा की। महाप्रभु जिसको मारे नहीं, सबका हृदय में प्रेम दे दिया। देखो ये जो नवद्वीप धाम है ना, जैसे महाप्रभु बड़े दयालु, नवद्वीप धाम भी बड़ा दयालु। ये शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती ये विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे तीर्थ है, विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे तीर्थ है बताओ, ब्रह्मांड में कितना तीर्थ है? बोले 6 अरब। कितना तीर्थ है? 6 अरब। 1 अरब कितना है? 100 करोड़ में 1 अरब होता है। और कितना अरब? 6 अरब। ये सारे विश्व ब्रह्मांड में तीर्थ में आप लोग जाओ, स्नान करो और परिक्रमा करो, तुम्हें जो फल की प्राप्ति होगी, एक बार श्री नवद्वीप धाम में, महाप्रभु का धाम में एक बार कोई जाओ, अगर वहां परिक्रमा करो ना, हैं, वहां पर परिक्रमा करो, धाम में दर्शन कर, तो उससे भी करोड़ों गुण ज्यादा पुण्य मिलेगा अगर महाप्रभु धाम में कोई परिक्रमा करेगी। ये शंकर जी पार्वती को कहते हैं। आप लोग कोई गए हो नवद्वीप धाम में परिक्रमा लगाने? परिक्रमा किए हो? इसलिए हमारे ये दो व्यक्ति गए, इसलिए और वो बाबा गए, इसलिए अब गए नवद्वीप धाम में, इसलिए वहां पर है ना, आप देखोगे हजार हजार लोग परिक्रमा करते हैं, हजार हजार लोग परिक्रमा करते हैं, हैं, बड़ा आनंद आता है, हैं, आप देख देख कर इतना आश्चर्य हो जाओगे। बोले कलयुग में दूसरे दूसरे धाम का जो महिमा लुप्त हो जाएगी, लेकिन नवद्वीप धाम का महिमा ज्यादा मिलेगा। और महाप्रभु की भक्ति दुनिया में, सारा दुनिया में एक दिन महाप्रभु का भक्ति ज्यादा बढ़ते जाएगा। इसलिए अब लोग जाना चाहते हो? कौन जाना चाहते हाथ उठाओ, अब सबको आप ले चलेंगे। देखो हमारे अमित प्रभु कहाँ गए? अरे अमित प्रभु कहाँ गए? कहाँ है? इसलिए अगर आप लोग जाना चाहते हो ना, हमारे यहाँ से कुछ कुछ भक्त लोग आते हैं नवद्वीप परिक्रमा में, हैं, हमारे जो प्रभु जी जो कथा करवा रहे हैं ना, अगर अगर आप उनको साथ में मिलोगे, संबंध रखोगे, वो लोग आ रहे हैं परिक्रमा के लिए, ये लोग आपको वहां पर ले आएंगे और वहां पर रहना और वहां पर पूरा पूरा धाम की परिक्रमा करना, धाम को दर्शन करना, ठीक है। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ देखो कल मैंने आपको बताया था, एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, जो एक कथा सुनने से पूरी 7 दिन कथा सुनने का फल मिल जाएगा। जो आधा सुने, कोई बीच में आए, कोई लास्ट में आए हो, हैं, ये भी कथा है ना, ये भी बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ी सी समय में वो कथा सुनाने के लिए, ठीक है। बोले जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कथा सुना रहे थे, कथित श्री परीक्षित का जो माँ पुत्रा अभिमन्यु की जो पत्नी वो भी वही बैठी थी, क्योंकि उनके एक लौता बेटा परीक्षित तक्षक 7 दिन में उनको काटेगा, अभी तक्षक आने वाले काटने वाला है, वो बैठ कर कथा सुन रही थी। जब सुखदेव गोस्वामी पूरी कथा को विश्राम दे दी, इतने में उनकी माँ पुत्रा कह रहे, बोले बेटा ये सुखदेव गोस्वामी ये 7-7 दिन तक ये बहुत सारी कथाएं सुना है, मैं स्त्री जाति हूँ, बुद्धि मेरी कम है, इसलिए भैया मेरे लायक थोड़ी बहुत कुछ बात बता दे, कम से कम मेरे को पता चले ये बताना क्या चाह रहे थे, मेरे को ये पता चल जाए फिर भी वो काम को मैं कर लूं, इसलिए मेरे लायक कुछ बात बता दो। लेकिन वो ये सोच रहे थे परीक्षित महाराज, अभी तक्षक आकर दंशन करने वाले मेरे को, मैंने जो कथा सुनी, मैं थोड़ी बैठ करके थोड़ी सी प्रभु का चिंतन, उनकी चिंतन कर लो। इतने में मैया ने प्रश्न कर दी, तो अभी माँ माँ कितने प्यारी होती है, कितने ममता की मूर्ति है, इसलिए उसने बोले ठीक है, जब माँ पूछ रही है मैं भगवान की कथा सुनाता हूँ। फिर थोड़ी समय में उन्होंने पूरी कथा को उन्होंने सुनाई, वो कथा भी बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी समय में सुनाऊंगा, ठीक है।
एक दिन श्री नारद जी, नारद कौन है, इनका नाम ही नारद। नर मतलब होता है रस, द मतलब सबको जो रस देते हैं, नर मतलब होता है ज्ञान, द मतलब सबको जो ज्ञान देते हैं, नर मतलब होता है आसक्ति, द मतलब खंडयती। सभी की आसक्ति को जो खंडन करके भगवान के चरण में जो लगा दे, ये कौन श्री नारद जी। नारद जी बड़े रसिक भक्त है, ये बड़े कौतुक भक्त है। एक दिन इन्होंने जगत में भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन है ये चीज को दुनिया को दिखाने के लिए एक दिन नारद जी श्री प्रह्लाद महाराज के पास में गए। बोले प्रह्लाद, जगत में तेरे जैसे जगत में कोई भगवान के प्यारे भक्त नहीं है। देखना, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अगर थोड़ी कोई थोड़ी बड़ी कोई विपत्ति आ जाए ना, पहले के माला छोड़ छोड़, पहले माला ही छोड़ देंगे। बोले हम इतने भक्ति किया, भजन किया, भगवान हमारे साथ में यही किया, मतलब माला छोड़ने के लिए पहले तैयारी हम बैठे, खाना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं, पहले क्या छोड़ देंगे। लेकिन जब प्रह्लाद के ऊपर में पिता ने उसको मारने की कोशिश की, पहाड़ को ऊपर से फेंक दिए, भगवान उसको गोद में ले लिए। क्यों पिताजी क्यों मारने के लिए कोशिश कर रहे थे? भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हो, खबरदार, भगवान भगवान कौन है? भगवान मैं हूँ, भगवान और कौन है? देखो उसी समय तो एक हिरण्यकश्यप ने जन्म लिया, अभी घर घर में हिरण्यकश्यप हो गए, घर घर में कुंडे, पहले पूरे गांव में एक कुंडा होता था, घर घर में कुंडे, अभी घर घर में हिरण्यकश्यप हो गए, हैं घर घर में हो गए। बोले खबरदार, भजन नहीं कर सकते हो। उसने जान से मारने के लिए क्या क्या उसने नहीं किया, जब किसी तरह से मर नहीं रहा था। उनकी एक बहन थी जिसका नाम थी होलिका। एक दिन होलिका आई, बोले भैया तू इतनी चिंता में क्यों हो? बोले बहन क्या बताऊं, इसी दुष्ट सारा दुनिया को मैंने टहलगा बचा दिया, सारा दुनिया को मैंने पराजित करके स्वर्ग राज्य में मैंने दखल कर लिया, सारा दुनिया में मेरी राजत्व, लेकिन ये छोटा सा बालक जैसे कुत्ते का पूंछ होता है ना, भले ही कितना तेल लगा दो कोई सीधा नहीं कर सकते हो। ये ऐसे ये भगवान के मेरे जो शत्रु का ये भजन करना है और इसको मारने के लिए कोशिश करता हूँ, मरना मर नहीं रहा है। बोले भैया कोई चिंता मत करो, मेरे को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, ये अग्नि मेरे को स्पर्श नहीं करी, चिता सजा, चिता सजाए और आग लगा दी। प्रह्लाद गुरु ने गोद में बैठा दी, बड़ी जोर से चीख निकली, बचाओ बचाओ बचाओ, बस हिरण्यकश्यप सजा खत्म, प्रह्लाद खत्म हो गया। जब आग बुझ गई ना, देखा प्रह्लाद जैसे एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं, प्रह्लाद जैसे बैठ करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय। वो भजन कर रहा था किसी तरह से मारने, अरे काल कोठरी में बंद कर दिए भगवान वैकुंठ से आकर के, रोज रोज उसको छापान भोग छत्री से व्यंजन खिला देते। काल कोठरी जब बोले खोलो, लगता है सर गल के खत्म हो गया, तब दरवाजा खोले ना, देखा और मोटा बन गया है, क्योंकि ठाकुर जिसको रोज प्रसाद खिलाया करते थे, जब किसी तरह से मरा नहीं। इतने में हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, बोले बताओ तेरे को कौन रक्षा करता है? बोले पिताजी आपको जो रक्षा करता है, मेरे को भी रक्षा करता है, विश्व ब्रह्मांड को रखने वाले वही है। बोले वही कौन होता है? सारा दुनिया को तो मैंने परास्त किया। बोले पिताजी आपका अभिमान है, ये अभिमान है। हिरण्यकश्यप ने कहा पहले तेरे भगवान को दिखाता हूँ, बाद में तेरे को दिखाऊंगा, बताओ तेरे प्रभु कहाँ है? बोले बताओ मेरे प्रभु है नहीं कहाँ तो बोलो। बोले खंभे में क्या है? बोले मेरे को तो दिख रहा है। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे, उन्होंने मारे मुष्टि का घात और खंभा फट गई। सिद्धार्थ नरसिंह भगवान हो गए। श्री नरसिंह भगवान की जय। श्री प्रह्लाद महाराज की जय। घमासान युद्ध हुई, जब शाम का समय हुआ, जैसे कि बिल्ली चूहे को पकड़ ले, पकड़ करके दहली में अपना गोद में बैठा करके जब मारने जा रहे थे, हिरण्यकश्यप बोले मेरे को मार नहीं सकता। बोले क्यों? बोले मेरे पास में वरदान है ना, ब्रह्मा ने वरदान
दी बोले बताओ क्या क्या वरदान बोले बोले दिन में नहीं मरूंगा रात में नहीं मरूंगा तो मारू कैसे बोले भले आदमी ऊपर देख ये सांप का समय है बोले तब भी नहीं मार सकते बोले क्यों बोले आकाश में नहीं पृथ्वी में नहीं बोले मेरे गोद ऊपर में बोले तब भी नहीं मार सकते बोले क्यों बोले घर में नहीं बाहर में नहीं मारोगे कैसे बोले दहली ऊपर में देख बोले किसी महीना में नहीं मार सकते कैसे मारोगे बोले ये अधिक महीना मल मास है बोले ब्रह्मा का किसी श्रेष्ठ प्राणी को हाथ में नहीं मरूंगा बोले मेरे को देख ले ब्रह्मा का मेरे बाप हूं बोले तब भी नहीं मार सकते बोले क्यों बोले वरदान है ना बोले बता क्या वरदान है बोले किसी अस्त्र से किसी शस्त्र से नहीं मरूंगा बोले मेरे नाखून देख अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पेट को फाड़ दिए और उसका नाड़ी भुड़ी को ठाकुर जी गले में पहन लिए बोले पेट में मार लिए बोले भैया जिसकी औरों से इतने बड़े भक्त निकला प्रहलाद जैसे निकला हो सकता है और दो चार भक्त निकले जाए हैं इसलिए उनको पेट को फाड़े फिर श्री नरसिंह भगवान को इतने भयंकर मूर्ति थी ब्रह्मा शंकर कोई भी लक्ष्मी भी आरती की थाला फेंक कर भाग गई बोले भैया आप ये भयंकर रूप कभी नहीं देखो इतने में प्रहलाद के पास में गए प्रहलाद जब आए भगवान उसको गोद में बैठा दिए भगवान का क्रोध शांत हो गया भगवान चाटने लगे बोले प्रहलाद सारा दुनिया मेरे को देख कर कांप रहे हैं तेरे दिल में कोई डर नहीं बोले प्रभु जी शेर दूसरे के लिए शेर है लेकिन बच्चे के लिए अपना माँ है हैं अपना बच्चे के लिए माँ आप तो मेरे माँ हो मैं तो बच्चा हूँ इसलिए आपका ये जो रूप है ना मेरे को बड़ा प्यारा लगता है लेकिन ये संसार को देख कर डर लग रहा है ये रूप भी नहीं बोले ब्रह्मा को बोले इसकी चक्कर में मेरे को मत फंसाए करो बोले बोलो क्या चाहिए बोले अगर देना चाहते हो मेरे पिताजी को नरक में मत भेजा करो मेरे पिताजी को चरण में भक्ति दे दो भगवान कहते प्रहलाद तेरे जैसे बच्चा जिस खानदान में जन्म लिए तेरे तो 21 पीढ़ी उधार हो गए 21 पीढ़ी तुम्हारी उधार हो गए देखो अगर बच्चे अगर भक्ति करने वाले हो ना देखो चीज को समझो बच्चे अगर भक्ति करने वाले हो उनका हृदय कितना बड़ा होता है जिस पिता ने सारा जीवन मारने के लिए कोशिश की जब भगवान कहते वर मांगो वर क्या मांगे पिताजी उद्धार हो लेकिन इसी दुनिया में देखना जैसे एक पिता की दो बेटे हो नहीं तो तीन ही बेटे हो अगर पिताजी किसी बच्चे को थोड़ा काम और जिसको थोड़ा ज्यादा दे दिया जिसको काम देगा ना जब तक जिंदा रहेगा बुढ़ा बुढ़ी को गाली कर रहेगा डोकरा डोकरी मेरे को काम दे कर गए और वो बच्चे को ज्यादा दे कर गए जिंदगी भर गाली देगा लेकिन बेटा अगर भक्त बनेगा ना वह तो सारा जीवन तुम्हारी पूजा करेगी जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन Thank you.
Hey.
हरे कृष्ण प्रभु जी सब इधर हाथ कर दे बोला हरे कृष्ण सब बढ़िया कृष्ण कृष्ण हरे 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 और इधर हाथ उठा कर बोलो कोई खड़े मत रहो सब बैठा दो सब बैठिया सामने को खड़े हो सब बैठिया चुपचाप हाँ एक बार हाथ उठाओ बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 नारद जी बोले प्रहलाद तेरे जैसे भक्त जगत में कोई है ही नहीं महाराज जी इतने में देखो ध्यान देकर सुनो एक भक्ति का एक विशेष गुण है बोले क्या गुण है पता जी उधर नहीं जाना भक्ति की एक विशेष गुण है एक वृक्ष में जितने फल आए ना देखना वो पेड़ झुक जाती है जिसकी हृदय में जितने भक्ति प्रकट होगी वो अपना झुक जाएगा वो उतना झुक जाएगा वो कभी सार कभी ऊंचा नहीं होगा इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं त्रिना जबि सुनि चेना करो रवि सहिष्णुना अमानी नांग मान देना कीर्तनीय सदाहरी भगवान की हरिनाम कीर्तन करने के लिए तीन हीन होकर भक्ति करना पड़ेगा अभिमान से भक्ति नहीं होता है अभिमान सुरापान है इसलिए जब बोले प्रहलाद तेरे जैसे भक्त दुनिया में कोई है ही नहीं प्रहलाद ने कहा मेरे को भक्त बोल रहे हो मेरे अंदर में भक्ति की भातक भी नहीं भक्ति मतलब क्या होता है कहते भक्ति मतलब भज धातु सेवया भक्ति मतलब होता है सेवा मैंने ठाकुर का कहां सेवा की ठाकुर जी प्रकट हुए मेरे को थोड़ी सी गोद में ले लिया प्यार दे दिया और ठाकुर जी भाग गए मैंने कम ठाकुर का सेवा किया मैंने सेवा नहीं कर पाई बोले फिर बोले अगर भक्त देखना चाहे तो जाओ कहां श्री अम्बरीश महाराज के पास में जाओ आप देखोगे उसी समय अम्बरीश महाराज छोटे मोटे राजा नहीं ये संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में राजत्व कर रहे थे लेकिन इतने बड़े पृथ्वी के राजत्व प्राप्त होते हुए भी कोई अभिमान नहीं अपना हाथों से ठाकुर का सारी सेवा करते थे कैसे सेवा करते थे बोले सबई मन कृष्ण पदारविंद मन को ठाकुर जी की चरण में लगा कर रखते थे बोले बाचा सी वैकुंठ गुणानुवर्णन में बोले वाणी को ठाकुर की गुणान वर्णन में बोले करो हरि मंदिर मार्जनादि सु अपने हाथों से क्या करते थे ठाकुर की मंदिर साफ करते थे देखो ध्यान देकर सुनो भगवान की मंदिर साफ करने का क्या महत्व है अच्छे तरह से सुनो बोले एक समय कोई एक राजा था रोज भगवान की मंदिर में झाड़ू बुहारी करता था पोछा लगाता था एक दिन उनको पूछे भैया तू देश का राजा होकर के ये मंदिर में ये झाड़ू बुहारी क्यों लगाते हो मंदिर क्यों साफ करते हो देखो राजा क्या कहता है बोले मेरे को पूर्व जन्म की बात याद बोले क्या है बोले पूर्व जन्म में एक बड़ा शूद्र था बदमाश था एक दिन एक वेश्या को लेकर मैं जंगल में गया मेरे को पता नहीं था ये भगवान विष्णु का मंदिर है लेकिन वो मंदिर गंदा पड़ा हुआ था मैंने गंदे काम करने के लिए मंदिर को साफ सुथरा किया मैंने गंदा काम की लेकिन ठाकुर जी इतने दयालु मेरे गंदे चीज को नहीं देखे मैंने जो मंदिर साफ कर दिया ना ठाकुर जी ये चीज को देखे इसलिए बोले गुना अब गुना प्रभु देखो ना काम ठाकुर जी किसकी अब गुणा प्रति ठाकुर का नजर नहीं रहता है और ठाकुर जी मेरे को राजा जन्म में दे दिया अगर इसी जीवन में अगर भक्ति पूर्वक ठाकुर का मंदिर साफ कर दो ठाकुर हमें क्या नहीं दे इसलिए अम्बरीश महाराज मंदिर की साफ सुथरा करते थे एकादश इंद्रियों को द्वारा तुलसी रोज परिक्रमा करना मंदिर परिक्रमा करना एकादश इंद्रियों को द्वारा ठाकुर का सेवा करते थे पहले राजा लोग बहुत शादी करते थे हैं ज्यादा शादी करते थे अम्बरीश महाराज की बहुत सारी पत्नियां थी इन्होंने अभी एक तो नई एक नवली आई बहू घर में आई लेकिन अम्बरीश महाराज दिन में एक बार भी उनको साथ में मिलने नहीं जाते थे अभी वो छोटी रानी सोच रही है मेरे को शादी करके ले आए
अरे दिन में एक बार तो कम से कम आए, पूछे तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, तू क्या कर रही हो ठीक। अरे एक बार तो आकर पूछे, पूछते नहीं। एक दिन छोटी रानी देखने के लिए आई, ये राजा दिन भर करते हैं क्या? उन्होंने आकर के देखा राजा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सबसे पहले क्या करते, स्नान करके। देखो स्नान तीन तरह का स्नान है, कितना तरह का है? एक है ऋषि स्नान, एक है देव स्नान, एक है नर स्नान और एक है राक्षस स्नान। स्नान चार, पहला स्नान ऋषि स्नान किसको कहते हैं? जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठे। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं किसको? बोले जो उदय से एक घंटा 36 मिनट पहले है उसको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कहते हैं। उसी समय जो स्नान करता है कहते वो ऋषि स्नान है, है? ऋषि स्नान है। उसके बाद में स्नान देवता कब स्नान करते हैं? सूर्य जो उदय होने से पहले नहा लेते हैं, ये देव स्नान। कहते नर स्नान, इंसान स्नान कब करते हैं? बोले ठीक सूर्य उदय में समय जो स्नान कर लेते हैं ना उसको नर स्नान कहते हैं। कहते एक स्नान राक्षस स्नान, राक्षस स्नान किसको कहते हैं? सूर्य उदय होने का बाद जो नहाते। अभी आप लोग देख लो कौन सा स्नान करते हो? हाँ राक्षस स्नान। गोपी चंदन इसकी कितने महिमा, ये कहाँ से आता है? ये आता है द्वारका से, ये तिलक कहीं नहीं मिलती है। जब भगवान सर दर्द बुखार की लागी, नारद जी ब्रज से ये ब्रज रज लेकर गए, जब बाके बिहारी स्नान की तब उनके सर दर्द बुखार में सही हुई। हम भी सर दर्द हमारे लिए बहुत है, संसार में बहुत सारे सर दर्द है, हमारे भी तरह तरह का हमारी बीमारी है, लेकिन तिलक लगाओगे ना तुम्हारे सारे सर दर्द खत्म हो जाएगी और सारे भवरोग की हैं भवरोग की बीमारी सब खत्म हो जाएगी। देखो ये तिलक की कितने महत्व है। ये जो तिलक है एक समय क्या हुआ, देखना हम जो तिलक लगाते हैं ना जैसे हाथ में पानी लेकर के तिलक की ऐसे ऐसे घिसते हैं। कोई एक संत किसी सरोवर में स्नान करके ऊपर में आए और वहीं पर बैठ करके सबसे पहले उन्होंने तिलक घिसे। जब घिसे ये हाथ से निकलते हुए पानी तिलक का पानी वहां पर गिरा था। जब पानी गिरा था एक समय एक राजा था, बड़ा प्रतापी राजा था। वो एक देश को दूसरे देश को जय करते करते कहीं जहां शेर कहीं सवा शेर मिल जाते हैं, एक सवा शेर राजा से भिड़ गया। भिड़ गया तो युद्ध होते होते जो सवा शेर वाला था उसको मारा गले में तलवार, उसकी गला को कतल कर दिए। लेकिन जब उसकी सर गिर पड़ा जहां पर, लेकिन वहां पर वो संत ने तिलक लगाया था और ये ब्रज रज है गोपियों की चरण धूलि है, जिसको उद्धव भी एक चरण की धूल को वंदना करते हैं, ब्रह्मा भी जहाँ पर चरण धूल के लिए प्रार्थना करते हैं, हैं? इसलिए ब्रज रज कोई साधारण वस्तु नहीं, ये गोपी ब्रजवासियों का चरण धूलि। अभी जो सर को काट दिए उसी तिलक के ऊपर इसकी सर गिरा। जब सर गिरा वो राजा बड़ा दुष्ट था, बदमाशी था, हर तरह का धंधा काम जिंदगी में किया है, लेकिन उसको जब जमदूत नरक लेकर गए, भले इसने जीवन मांस मछली उल्टा पुलटा सारे गंदे काम किया था, उसको जो उबलते हुए खौलते हुए तेल को डाल दो, जो तेल में डाल दिया ना वो डालते ही वो तेल ठंडा हो गई और नीचे जो आग जल रही थी वो आग अपने आप बुझ गई। जब महाराज बोले भैया ये क्या हो रहा है, ये उबलते हुए तेल कैसे ठंडा हो गया और नीचे जो आग जल रही थी ठंडा कैसे हो गई? उनको पता चला जब शरीर छूटा था उसी समय में उसको गोपियों की जो चरण धूलि में इसका सर वहीं पर गिरा था। गिरने का नाते गोपियों की चरण धूलि और राधा रानी की चरण धूलि और कृष्ण का चरण धूलि लगा था, इसलिए सारे पाप नष्ट हो गई थी, इसलिए जलते हुए आग भी बंद हो गई और उबलते हुए तेल भी ठंडा हो गया। ये तिलक की इतने महत्व, इसलिए जब महाराज जमदूत को कहते हैं, इसलिए देखो जमदूतों जिसकी गला में तिलक होगा, जिनकी गले में तुलसी की कंठी होगी, खबरदार उसको यहाँ नहीं लाना, समझ जाना ये ठाकुर जी के भगत है। मैंने परसों बताया था ना कैसे पता चलेगा कौन भक्ति करता है नहीं करता है, तो उन्होंने क्या बताया, दो तरह के कुत्ते हैं। कितने तरह के कुत्ते हैं? कितने तरह के कुत्ते हैं? एक पालतू और एक फालतू। जो पालतू कुत्ते हैं गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता किसी घर की कुत्ते हैं, हैं? देखना उसको कोई कुछ नहीं कहते हैं। और जो बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं वो फालतू कुत्ते हैं, इसलिए पालतू को कोई मारते नहीं और फालतू को कोई छोड़ते नहीं।
इसलिए फालतू मत बनो, क्या बना? फालतू बनो, गले में तुलसी कट्टी जरूर धारण करो, लेकिन उसके लिए कुछ परहेज है। मांस मछली तो मुझे लगता है कोई खाते ही नहीं, लेकिन प्याज लहसुन को भी खाते हो, कोशिश करना उसको भी छोड़ देने के लिए। उसको भी देखो, इतने दिन अगर कथा सुने हो, अगर इतनी सी चीज ठाकुर के लिए नहीं छोड़ पाओगे, हैं, एक तरफ में रखो ठाकुर जी और एक तरफ में प्याज लहसुन, अब चुन लो तुम्हें क्या चाहिए, ठाकुर चाहिए ना प्याज लहसुन चाहिए, बोलो। अगर ठाकुर चाहिए तो प्याज लहसुन को त्याग दो, शुद्ध रूप में बनाओ और भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाओ, देखना जीवन में शांति, शांति जीवन में सुख ही सुख आएगी। कम से इतनी चीज तो लिया करो, इसलिए ये तिलक की इतने महत्व, ये तिलक की, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए जो उनकी जो छोटी रानी थी, उसने देखा राजा सवेरे सवेरे उठ करके, हैं, राजा सवेरे सवेरे उठ करके तिलक लगा रहे हैं, अपना मंत्र जप करते हैं, ठाकुर के लिए फूल चयन करके आते हैं, ठाकुर जी मंदिर को साफ कर रहे हैं, ठाकुर जी सारे सेवा राजा कर रहे हैं। रानी ने देखा, ओ ये बात है, राजा दिन भर ठाकुर को सेवा करते हैं ना, इसलिए इनको दिन भर में समय नहीं मिलता एक बार हमसे मिलने के लिए, ठीक है, कल से फिर राजा को मैं थोड़ी सी सेवा में हाथ बंटवा लूंगी, राजा को समय होगा तो राजा हमारे साथ में मिलने आएंगे। रानी एक दिन पहले देख लिया राजा क्या क्या करते हैं। अभी राजा उठने से पहले रानी उठ गई, छोटी रानी जो थी, उठ करके मंदिर को साफ सुथरा कर दी, सुंदर सुंदर फूल ले आई, ठाकुर जी के लिए माला बना दी, ठाकुर के लिए चंदन घिस दी, ठाकुर जी के लिए फल अमनिया करके ठाकुर जी के लिए रख दिए, एकदम सब कुछ रेडी करके रख दी। राजा जब सवेरे उठे, अपना मंत्र जप की, तिलक लगाई और जब सेवा करने के लिए गई ना, देखा सब सेवा रेडी है, कुछ भी करने का जरूरत नहीं। अगर हम लोग होते ना खुश हो जाते, बढ़िया हो गया, आज काम करना नहीं पड़ेगा। लेकिन राजा है ना, इसको देख कर तो दुखी हो गए, और सुखी नहीं दुखी हुए, बोले भैया मैंने सेवा को क्यों छीना, किसने छीना, कि मुझे सेवा में क्या आनंद है। सेवा में जैसे अपने बढ़िया रसोई बनाया, बहुत बढ़िया रसोई बनाया, अपने ठाकुर को भोग लगाया, पति देव को खिलाया, अब पति जब खाना खाए ना, अंगुल चाट चाट कर खाए और पंचों मुंह में तुम्हारी स्तुति की, बोले क्या तुमने खाना बनाया, लगता है अंगुली काट के खा ले, हाँ? इतने सुंदर रोटी नहीं जैसे चंद्र चांद के टुकड़े हो, सब्जी नहीं जैसे अमृत, अगर चाट चाट कर खाए तुमको खुश होगी नहीं, नहीं होता बता, खुश होगी कि नहीं, बोल तो खुश हो जाओगी, खुश हो जाओगे ना। इस तरह जो सेवा में आनंद है, सेवा में और दुनिया के लोग को आनंद दे रहे हो, अगर स्वयं बांके बिहारी ठाकुर जी को अगर भोग लगाओगे, ठाकुर अगर खुश होगी, कितना खुश होगी तुम्हारी। इसलिए राजा दुखी हो गए, बोले भैया मेरे सेवा को किसी ने छीना, मेरे सेवा को, देखा छोटी रानी ने ये सेवा की। राजा ने बोले रानी तुमने मेरे सेवा को क्यों ली, बोले महाराज मैंने देखा आप दिन भर सेवा करते हो, दिन में एक बार मिलने के लिए नहीं आते, आपके पास में फुर्सत नहीं, इसलिए मैंने सोचा अगर हाथ ना बंटवा दूंगी आपको समय होगा मिलने के लिए आओ, बोले नहीं हमारी सेवा छीनने का कोई जरूरत नहीं, अगर तुम सेवा करना चाहते हो तेरे लिए भी मैं राधा कृष्ण दो ठाकुर तुम्हारी घर में स्थापन कर देता हूँ, तो अपना ठाकुर को सेवा कर, मेरा सेवा करने का जरूरत नहीं। इसलिए उनकी घर में एक केशव देव नाम उन्होंने एक ठाकुर को स्थापन की। जब स्थापन कर दिया, देखो माताओं में एक विशेष गुण क्या है, माताओं में गुण है, आप किसी दुकान में जाओ जितने श्रृंगार के सामान किसके लिए, माताओं के लिए। पुरुष लोग तो एक पैंट कुर्ता पहन लिया हो गया, और जितने सब श्रृंगार सजना धजना सब माताओं के लिए। इसलिए रानी सस्ती थी, अभी रानी क्या करती है, राजा भी ठाकुर को सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, अभी रानी भी ठाकुर जी की श्रृंगार करती है, लेकिन रानी जो श्रृंगार करती है ना इतने सुंदर सजाती है, इतने सुंदर ठाकुर को इसमें सजाए, ठाकुर को कौन श्रृंगार करता है, कौन करती है, पुजारी करते हैं। इसलिए इतने सुंदर उन्होंने श्रृंगार की। एक दिन राजा देखने के लिए आए, भैया रानी क्या कर रही है, राजा ने देखा इतने सुंदर ठाकुर का श्रृंगार, इतने सुंदर, राजा बोले रानी तुमने तो मेरे को फेल कर दी, इतना दिन से मैं ठाकुर को सजाती हूँ अभी तक इतना सुंदर मैं सजा नहीं पाई, तुमने जितने सुंदर तुमने ठाकुर को सजाया,
राजा ना अभी किसी रानी के घर में नहीं जाते, छोटी रानी के घर जाते। बोले क्यों? वो जो ठाकुर को श्रृंगार करती है, खूब खुश होती है, उसको खूब बाहवा देते हैं। सब रानी तो कानाफूसी करना शुरू कर दिए। बोले भैया क्या चक्कर है? राजा तो पहले किसको घर में नहीं जाते थे, ये छोटी रानी के घर में इतने चक्कर क्यों लगा रहे? सी हाइट लगाती है, देखो तो क्या, रानी से मिलने नहीं आते राजा, रानी जो श्रृंगार करती है ठाकुर जी को, वो श्रृंगार को देखने के लिए आती है। जब ये रानियों को पता चला ना, सारे रानी इकट्ठे हो गए। बोले महाराज हमारे घर में भी ठाकुर स्थापन कर दो, हमारे घर में भी ठाकुर का स्थापन कर दो, हम भी ठाकुर को सेवा करना चाहते हैं। राजा तो वैष्णव था, भक्त था, इतने राजा खुश हो गए। इतने राजा तो यही चाहता था मेरी जितने रानियां क्या करे, ठाकुर की सेवा में करे, भगवान की सेवा में इनका जीवन लग जाए, तभी तो ये जीवन धन्य होगा ना। ठाकुर को जितने सुंदर सजाओगे, खुद उतना सुंदर सज जाओगे। हैं? अगर ठाकुर को नहीं सजाओगे, दिन भर अपना को सजाने में, खुद को ब्यूटी पार्लर में ले जाओ, खुद 3 घंटा शीशा के सामने खड़े होकर सजो, व्रत का अधिष्ठात्री देवता स्वयं कृष्ण है। ये माधव तिथि भक्ति जननी, ये माधव तिथि है। जगत में 33 करोड़ देवता है, कितने को मनाओ बताओ? एक को मनाओ दूसरे मुंह भुला कर बैठ जाएंगे, लेकिन अगर कृष्ण खुश हो गए ना, सब देवता खुश हो जाएंगे। इसलिए एकादशी व्रत को कहते हैं कल्पतरु व्रत। कौन सा व्रत है? मतलब क्या? ऐसे कोई चीज है नहीं जो एकादशी व्रत करने से नहीं मिलता है। एक एकादशी का नाम पुत्र था, जिसको संतान नहीं उसको पुत्र देते हैं। एक का नाम मोक्ष था, जिसको करने से संसार से मुक्ति मिलती है। एक का नाम पाप वचनी, जिसको करने से पाप नष्ट होती है। एक का नाम है विजया, जिसको करने से विजय प्राप्त होगी। एक का नाम इंदिरा, जिसको करने से लक्ष्मी की कृपा होगी। एक का नाम अर्णदा। इसलिए हर एकादशी का अलग 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 नाम है। मतलब ऐसे कोई वस्तु नहीं जो एकादशी व्रत करने से आपको नहीं मिलेगी। इसलिए एकादशी भगवान की व्रत है। ये भागवत में कोई सोम मंगल कोई व्रत नहीं है, क्योंकि भागवत किसने लिखी? बोले व्यास देव। और जितना व्रत किसने लिखी? बोले व्यास देव। भागवत लिखे कब? जब उन्होंने सारे ग्रंथों को लिख चुके थे, उनको शांति नहीं मिली। लास्ट ग्रंथ है भागवत है, जिसमें एकादशी की कथा, जिसमें केवल एकादशी की कथा आती है और कोई बार व्रत की कथा नहीं आती। इसलिए जरूर आप लोग एकादशी व्रत रखो। एकादशी का दिन अर्घ में गो हत्या, नर हत्या, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, सारे पाप रहते हैं। इसलिए एकादशी का दिन अर्घ खाने से सारे पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए आप लोग सब के सब एकादशी व्रत रखो। इसलिए श्री नारद जी बोले, श्री अम्बरीशी तेरे जैसे भक्त दुनिया में कोई नहीं। अम्बरीशी महाराज जी बोले मेरे को भक्त बोल रहे हो, मेरे अंदर में तो भक्ति की बात कभी नहीं। बोले थे भक्त देखना चाहते हो जाओ किसकी ब्रह्मचर्या। श्री हनुमत लाल को देखोगे हैं, डायरेक्ट जो भगवान राम की सेवा कर रहा है, तुम किस किंध्या में देखोगे? इसलिए तुम वहां चले जाओ। इतने में नारद जी अपना वीणा उठाए हैं, बोले गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय गोपाल, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय Hari 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 Hari
श्री नारद जी किस चिंता में पहुंचे, देखा श्री हनुमत लाल जी भगवान की ध्यान में बैठे हुए थे हैं, और उनकी आंखों से आंसुओं की झरी बह रही थी और कीर्तन कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता जय रघुपति राघव पतित पावन सीता जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता जय रघुपति छलांग लगा करके नारद जी को अपना आलिंगन करके नारद जी को लाए और बैठाए। इतने में नारद जी बोले, हनुमान तेरे जैसे भक्त जगत में कोई नहीं है, हैं? तेरे जैसे भक्त कोई नहीं, अगर तू नहीं होता तो मैया सीता को पता लगाना इतना आसानी बात थी नहीं, केवल तेरे वजह से ही मैया सीता को लंका से ला पाए, हैं? इसलिए जब माता सीता को लाए ना, रामचंद्र इतने प्रसन्न हो गए। बोले हनुमान तू नहीं होता तो सीता जी कौन पता लगाता, हाँ? समुद्र लंघन करके कौन जाता, इसलिए आज तू जो कुछ मांगोगे मांग ले जी भर करके। हनुमान जी बोले, प्रभु बार बार बर मांगो हर सी देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सत्संग, आपकी चरण में हमें भक्ति दो, सत्संग दो, आपकी सेवा हमें प्रदान करो, प्रभु अनुपायिनी अहितों की भक्ति प्रदान करो। भगवान इतने खुश हुए, जब हनुमान के सर पर हाथ रखे ना, हनुमान जी कौन है? स्वयं शंकर जी। रामायण देखे होंगे, देखना कैलाश में सीताराम को दिखाया, जब हनुमान के सर पर हाथ रखे वो हाथ शंकर जी के हाथ सर पर हाथ गया, क्यों? शंकर ही हनुमान है। कहते रुद्र तेहते जी नेह बस बानर भाई हनुमान, जब शंकर जी ने देखा ये शरीर से हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते हैं, शंकर स्वयं श्री हनुमत लाल बन करके प्रभु की सेवा की। शंकर बोले, पार्वती आज मेरे जीवन धन्य हो गया, देखो ठाकुर जी मेरे सर पर हाथ रखे, मेरे को भक्ति प्रदान कर रहे हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। इसलिए बोले हनुमान, ठाकुर जी तुम्हें कितने प्यार करते हैं, जब उन्होंने सीता को उधार करके लाए, मैया सीता भी खुश हो गई हनुमान के ऊपर। बोले भैया, सबको तुम्हें कुछ कुछ चीज दी, हनुमान को सबसे बढ़िया चीज देनी चाहिए। पर मैया सीता ने क्या की, उनकी गले में गजमुक्त हार थी, वो हार को उतार कर उन्होंने हनुमान को दे दिया। हनुमान जी ना एक एक मुक्ता को लेकर के उसको दांत में काट रहे थे, वो देख रहे थे, फेंक रहे थे। मैया सीता बोली, तेरे को मैंने इतनी कीमती चीज दिया और तू दांत में काट काट कर फेंक रहे हो, हैं? कितना बंदर का अदरक का स्वाद क्या बताए, हैं? और तुमने इतनी कीमती चीज को फेंक रहे हो। बोले माता जी, मैं देख रहा हूँ ये मोती में मेरे प्रभु सीताराम की कोई छवि है कि नहीं, जिसमें सीताराम की कोई छवि नहीं हनुमान उसको ग्रहण नहीं करता है। बोले बात तो बड़े बड़े करते हो, अगर तेरे शरीर में क्या सीताराम, फेंक दो शरीर को, ये शरीर को क्यों धारण किया, फेंक दो। बोले दिखना चाहते हो, बोले क्या दिखाओगे, उन्होंने छाती फाड़ दिए, देखे उनके हृदय में श्री सीताराम के निवास। बस ये बजरंग बली हनुमान की। मैया सीता तो मान ली सचमुच से, कितने बड़े भगत है, हैं? बोले एक समय क्या हुआ, मैया सीता श्रृंगार कर रहे थे श्रृंगार भवन में, हनुमान जी सीता माता जी को अपना मां मानती है। इतने में
हनुमान तो अंदर में घुस गया और ऐसे 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 देख रहा था, बंदर देखते ऐसे देख रहा था। क्या देख रहा था? मैया मांग भरी हुई थी, सिंदूर लगाई थी। इतने में हनुमान जी बोले, माता जी ये क्या है? अब ये एक छोटा सिंदूर, ये एक लाइन, ये मांग, ये क्या चीज है? बोले बेटा ये माताएं ये सुहाग धारण करती है। बोले मैया सुहाग क्या होता है? बोले जो एक बुंद सिंदूर और जो मांग भरे ना, ये पति के कल्याण के लिए, पति का दीर्घायु हो, हमारा सामने कभी पति मरे नहीं, पति कुशल मंगल हो, पति का जीवन बढ़िया बीते, इसलिए पति की कल्याण के लिए, दीर्घायु के लिए माताएं मांग करती हैं। बोले ये बात? बोले हाँ। इतने में जब मैया सीता श्रृंगार करके चली गई ना, हनुमान जी सीता घर में गए और जितना सिंदूर निकाले और लेकर के सारा शरीर में पोत दिए, पूरा शरीर में पोत दिए, पोत करके जो राम दरबार लगा हुआ था उसको बीच में चले गए। जब चले गए जितने अयोध्या वासी देख देख करके बड़ी जोर जोर से ठान लगा कर हंस रहे, देखो ये बंदर को, ये बंदर को देखो सारा शरीर में कैसे सिंदूर पोत रखा। लेकिन भगवान राम सब जानते हैं। बोले हनुमान जी ये बताओ, तुमने ये सारा शरीर में सिंदूर क्यों पोत रखे हो? बोले प्रभु जी मैंने देखा माता जी श्रृंगार कर रही थी, मैंने पूछा भैया ये क्या है, एक पटा सिंदूर या एक लाइन सिंदूर क्यों? बोले ये सुहाग का चिन्ह है। मैंने कहा सुहाग क्या होता है? बोले पति का दीर्घायु मंगल आयु जस के लिए पत्नी धारण करते हैं। प्रभु आप तो मेरे पति है ना, आप तो मेरे प्रभु, अगर माता जी एक बूंद एक लाइन लगाने पर अगर आपका इतने कल्याण हो, मैंने सोचा सारा शरीर में अगर मैं लगा दूं, फिर तो प्रभु राम की विश्व ब्रह्मांड में रसियावर राम चंद्र की, इसलिए मैंने अपना शरीर में सिंदूर। भगवान राम तो सुन सुन करके इतने प्रसन्न राम हो गए, उनका हृदय गदगद हो गया प्रेम में, हैं? यानी कि हृदय गदगद हो गए प्रेम में। इसलिए बोले एक समय राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता ये चारों ने एक मीटिंग की। बोले क्या मीटिंग की? बोले ये बंदर हमारे जितने सारे सेवा को ये बंदर छीन रहा है, दिन रात प्रभु के पास में पड़ा रहता है, हमें कोई सेवा की सुजोग नहीं देता, ये काम करो। चारों ने मीटिंग की। बोले माता सीता अंदर की सेवा तो आप कर लेना, लेकिन हम जो तीनों भाई बाहर का सेवा कर लेंगे, ये बंदर को निकाल देना। बोले हनुमान इधर। बोले क्या है? बोले घर से निकल। दिन भर प्रभु का सारे सेवा कर रहे हो, हमें सेवा की कोई मौका नहीं देते, निकल घर से। हनुमान जी ने कहा देखो मैं तो प्रभु के सेवा के सेवा रह नहीं सकता, मेरे को छोटी से छोटी कोई सेवा दे दो, क्योंकि सेवा ही मेरा विश्राम, सेवा ही मेरा प्राण है, छोटी सेवा को लेकर के मैं जीवन धारण कर लूंगा। बोले भैया इसको ऐसे एक सेवा दो जो प्रभु का कोई जरूरत नहीं। बोले कौन सा सेवा? बोले प्रभु जब जम्भाई लेना चुटकी बजाए, चुटकी बजाए। जम्भाई किसको आता है? जिसको शरीर में आलस आए, लेकिन भगवान तो भगवान है ना, उनको थोड़ी कोई आलस आता है, हैं? इतने में हनुमान जी घर से बाहर निकाल दिए। बोले तू वही बैठे रहो और जब जम्भाई आएगा ना चुटकी बजाना। अभी उन्होंने देखा, अभी तो मेरे को बाहर निकाल दिया, पता नहीं कब ठाकुर को जम्भाई आ जाएंगे। इतने में हनुमान जी तो बाहर बैठ करके चुटकी बजाना शुरू कर दिए। बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, जय रघुपति राघव जा रहे थे। भगवान भक्त वत्सल है,
जब चुटकी बजा रहे थे भगवान को, जम्बाई के ऊपर जम्बाई, जम्बाई के ऊपर जम्बाई, जम्बाई बंदी नहीं हुई। अभी सबका जो सेवा बंद, क्योंकि इनकी जम्बाई खत्म नहीं हो रहा है। इतने में वैद्य को बुलाए, बोले भैया प्रभु को इतनी जम्बाई की, वैद्य को बुलाए। वैद्य ने देखा कोई बीमारी है नहीं, बोले भैया हनुमान जी कहाँ है? बोले हनुमान जी को सेवा से बाहर निकाल दिया। बोले हनुमान जी क्या कर रहा है? बोले बाहर बैठ करके चुटकी बजा रहा है, पता नहीं प्रभु का कब जम्बाई आ जाए। कहते मैं तो प्रभु की सेवा के बगैर रह ही नहीं सकता। बोले भैया हनुमान जी से सेवा छीन लिया ना, इसलिए प्रभु जी जम्बाई ले रहे हैं, अभी सारे सेवा उनको वापस दे दो, फिर तो जम्बाई बंद हो जाएगा। जब हनुमान को सारे सेवा दे दिया, ठाकुर का जम्बाई बंद। इसलिए बोलते हैं दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, हनुमान तेरे जैसे भक्त तो दुनिया में कोई नहीं, भगवान के सब श्रेष्ठ भक्त। हनुमान जी बोले मेरे को भक्त तो बोल रहे हो, मेरे अंदर में भक्ति की भावी नहीं। अगर प्रभु मेरे को प्रेम करते, जो प्रभु ये दुनिया छोड़कर गए, जो उन्होंने वैकुंठ गए, सराव अयोध्या को लेकर गए, केवल प्रभु मेरे को छोड़ गए, केवल मेरे को छोड़ कर गए। अगर मेरे को प्रेम करते मेरे को तो साथ मिल जाते, फिर मेरे को छोड़ कर प्रभु क्यों गए? क्यों छोड़ कर गए? इसलिए छोड़ कर गए। बोले हनुमान अगर तू चले जाओगे ना, फिर दुनिया में मेरी भक्ति कैसे प्रचार होगी? प्रभु की भक्ति के लिए हनुमान को छोड़ कर गए। बोले भक्त देखोगे ना, जा हस्तिनापुर चले जाओ, वहां तो हम ठाकुर जी को सेवा कर रहे हैं, लेकिन वहां उल्टा देखोगे जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक जो कृष्ण है, भक्तों की सेवा करते हुए देखोगे। हम तो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान जिनकी सेवा करते हैं, ये कौन है? बोले पांडव है। जाओ पांडवों के पास में, पास नारद जी उठाया बिना, बिना उठा करके कहां पर चले आए? हस्तिनापुर में। जब आए उन्होंने क्या देखा, एक बिस्तरा में प्रभु और अर्जुन सोए हुए, कृष्ण अर्जुन एक बिस्तरा में सोए हुए। कृष्ण का जो प्यार अर्जुन के सर का तरफ में, और अर्जुन का जो प्यार ना कृष्ण के साथ तरफ में, और अर्जुन की चरण की सेवा लक्ष्मी कर रही थी, और कृष्ण चरण की सेवा द्रौपदी कर रही थी, और अर्जुन की रोम रोम से हैं, रोम रोम से उसकी कृष्ण कीर्तन निकल रहा था। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन की उसके रोम रोम से कृष्ण कीर्तन निकल रहा था, इतने में नारद तो नाचना शुरू कर दिया, बिना बजा बजा करके नारद जी नाच रहे थे। इतने में नारद जी बोले श्री युधिष्ठिर महाराज की जय, पांडव की जय। बोले पांडवों तुम लोगों को जैसे भगवान की कोई भक्त दुनिया में नहीं, क्योंकि दुनिया तो भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन आप किसकी सेवा कर रहे हो? बोले पांडव की सेवा कर रहे हैं। अगर कभी शांति दूत रूप में भगवान कृष्ण स्वयं इनके शांति दूत बन करके जाते हैं, बोले पांडवों को ज्यादा चीज जरूरत नहीं, केवल इनको पांच गांव दे दो खुश हो जाएंगे, पांच गांव से खुश हो जाएंगे, इनकी ज्यादा चीज की जरूरत नहीं। भगवान दूत कौन बन कर जाता है? छोटे छोटे लोग जाते हैं ना। भगवान की सारथी का काम कौन किया? कृष्ण सारथी का काम किया। सारथी का काम कौन करते हैं? छोटे जाति के लोग करते हैं, लेकिन भगवान इनकी प्रेम में बसीभूत होकर ठाकुर जी क्या नहीं किया ठाकुर जी। इसलिए सूरदास जी कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ज्यादा है ठाकुर जी प्रेम से जितने वशीभूत होते हैं, और किसी चीज को तो प्रभु वशीभूत नहीं होते।
बोले हे पांडवों तुम लोग कितने सौभाग्यवान हो, कितने सौभाग्यवान। एक समय क्या हुआ, एक समय महाभारत युद्ध हो रहा था, अभी श्री पितामह भीष्म सेनापति पद में नियुक्त किए गए। कहते ये किसी पक्ष में, दुर्योधन को पक्ष में, ये सेनापति पद में। लेकिन अर्जुन क्या करता था, बहुत सैनिक को मारता था। एक दिन दुर्योधन ने गए पितामह भीष्म के पास, बोले पितामह भीष्म अगर हमें पता चलता आप पांडवों को नहीं मारोगे ना, आपको हम कभी सेनापति पद में नियुक्त नहीं करते। आप देख रहे हो अर्जुन कितने सैनिक को मारते जा रहा है, हैं? इसलिए बेकार हमने आपको सेनापति पद में नियुक्त की। उन्होंने बड़ी उल्टी सीधी बात उन्होंने सुनाई पितामह भीष्म को। पितामह भीष्म को तो तावा आ गया, बोले ठीक है दुर्योधन मैं पंच पांडवों के लिए आज 5 बाण बनाऊंगा, कल ये पंच पांडवों का खत्म कर दूंगा, पंच पांडव नहीं रहेंगे, कल महाभारत युद्ध समाप्त हो जाएगा। तब उन्होंने 5 बाण बनाए, अभी सबके सब युद्ध करके रात को सबके सब सो रहे थे। देखो जो व्यक्ति ठाकुर जी की शरण में जाते हैं ना, भगवान कितने ख्याल रखते। सबके सब पांडव सो रहे थे लेकिन कृष्ण को नींद नहीं आ रही थी, कृष्ण को नींद नहीं आ रही थी। कृष्ण इधर से उधर बेचैन हो रहे थे, बल्कि क्यों, उनको पता है पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की कल पंच पांडव को मार डालेगा। लेकिन गीता में मैंने क्या प्रतिज्ञा की, मेरे भक्तों का विनाश नहीं। और कुंती स्वयं युद्ध से पहले अपना 5 बेटों को ला करके मेरे को बोली, बोले कृष्ण ये 5 बेटे में तुम्हारी शरण में छोड़ रहा हूँ, तुम 5 बेटों को रखा करना। मैंने स्वयं बताया, बोले बुआ जी विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगी लेकिन ये पांडव का कोई एक बाल भी बंका होने वाले नहीं। लेकिन मैंने ये प्रतिज्ञा की ना, लेकिन कल पितामह भीष्म पांडव को मार डालेंगे, हैं मार डालेंगे। कृष्ण को बेचे, कृष्ण को नींद नहीं आ रही, कृष्ण इधर से उधर उधर से उधर प्लानिंग कर रहे, पांडवों को कैसे रखा करें। इसका मतलब है अगर हम ठाकुर जी की शरण में आ गए ना, विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगी लेकिन हमारे कुछ होने वाले नहीं। देखो भगवान को बेचे ठाकुर, जिनकी केवल एक इशारा रही ये विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाएगी, आज भगवान कृष्ण को नींद नहीं आ रही है। इतने में उन्होंने कहे, अर्जुन सो रहा था, उनको हिला हिला कर उठाई, बोले अर्जुन उठो अर्जुन उठो। अर्जुन कहा प्रभु क्यों मेरे को उठा रहे हो, हैं क्यों मेरे को नींद को खराब कर रहे हो, कल फिर सवेरे युद्ध होने वाले, 3 बार युद्ध करते करते थक गया हूँ, क्यों मेरे को उठा रहे हो, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। बोले अर्जुन पितामह भीष्म ने 5 बाण बनाए, कल तुम पंच पांडवों को मार डालेंगे। बोले अच्छी बात है, न्यूज पेपर का हेडिंग में आ जाएगा कृष्ण के 5 भक्त थे मर गए, हेडिंग में आ जाएगी। बोले यही तो बात है, मैंने प्रतिज्ञा की मेरे भक्तों का विनाश नहीं, मेरे भक्तों का विनाश नहीं, इसलिए मेरे को नींद नहीं आ रही है, तो जल्दी जल्दी उठो, जल्दी जल्दी तो उठो। इसलिए उन्होंने अर्जुन को उठा कर लेकर गए, बोले जाओ दुर्योधन ने तेरे को वरदान दिया था, जिस समय तुमने दुर्योधन की प्राण रक्षा की थी, चित्रगुप्तों से दुर्योधन प्रसन्न होकर के बोला था अर्जुन तुम्हारी मन में जो कुछ इच्छा मांग लो, लेकिन तुमने कहा था बाद में वर मांगोगे, जाओ अभी समय है, केवल उसका ड्रेस को मांग कर ले आओ। बोले इतने से हो जाएगा, बोले हाँ। तो उन्होंने कहे दुर्योधन का ड्रेस को मांग कर ले आए और वो ड्रेस को पहन लिया, पहन करके बोले जाओ पितामह भीष्म के पास, वो ड्रेस ऐसे है, वो ड्रेस जो पहन लेगा ना वो लगेगा जैसे ऐसे ही वही व्यक्ति। अभी उन्होंने अर्जुन पहन लिया दुर्योधन का ड्रेस और गला की स्वर बदला करके ना, बोले पितामह भीष्म जी क्यों आप पांडवों को मारोगे, दुनिया बोलेंगे अपना ना अपना परिवार व्यक्ति को आपने मार डाला है, ये पंच बाण मेरे को दे दो मैं मार डालूंगा। पितामह खुश हो गए, बोले बहुत अच्छी बात है, तू ये 5 बाण तू ले जा। जब ले गए ना अर्जुन लेकर चला आया, इतने में दुर्योधन आया, जब दुर्योधन आया इतने में भीष्म जी कह रहे दुर्योधन तुमने अच्छा काम किया, ये 5 बाण तुमने ले गया पांडवों को जो मारने के लिए रखा था। बोले कौन सा 5 बाण, बोले तू अभी अभी आया था ना, तू अभी तो आकर 5 बाण को लेकर गए। बोले मैं आया ही नहीं। ओ बोले इसलिए अर्जुन ने मेरे ड्रेस को पहन कर आ गया, वो आकर के लेकर चला गया। देखो
भगवान भक्तों को कैसे रक्षा करते हैं और भगवान हर समय पांडवों को घर में रहा करते थे, उनकी नौकरी जैसे करते थे ठाकुर जी। जब पंच पांडव सोते थे, कृष्ण स्वयं दरबार का काम कृष्ण स्वयं करते थे। मतलब जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनको कितने ख्याल रखते हैं, ठाकुर जी कितने उनको रक्षा करते हैं। इसलिए बोले पांडवों, तुम्हारी जैसे भक्त दुनिया में कोई नहीं, तुम लोग दुनिया के सबसे बड़े भक्त हैं। जो बोले ना, इतने में युधिष्ठिर महाराज बोले, बोले तुम हमको भक्त कह रहे हो, हमारे अंदर में तो भक्ति का भाव तक भी हमारे अंदर में नहीं। अगर भक्त देखना चाहते हो कहाँ जाओ, जाओ श्री उद्धव जी के पास। भगवान के सबसे प्यारे भक्त कौन है? श्री उद्धव जी। कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे उद्धव, तू मेरे जितने प्यारे है ना, दुनिया में इतने प्यारे मेरे और कोई नहीं। भगवान कहते हैं, न तथा मैं प्रियतम आत्मा ज्वलिन न शंकर। बोले मेरा जो बेटा ब्रह्मा इतना प्यारा नहीं तू जितने मेरे प्यारे हो, हरिहर एकात्मा शंकर भी इतने प्यारे नहीं, मेरे अंकसायनी लक्ष्मी भी इतने प्यारी नहीं, मेरे अभिन्न स्वरूप बलदेव प्रभु भी प्यारा नहीं, एवं मैं मेरा जितना प्यारा नहीं, हे उद्धव तू उतना प्यारे हो। इसलिए कृष्ण उद्धव के लिए बोले, उद्धव ऋषि नाम प्रवर मंत्री कृष्ण सदैत सका। अगर कृष्ण को कोई काम करना हो ना, वो उद्धव जी से परामर्श लेते हैं, मंत्री है, एक साथ में रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं। बोले कृष्ण के सबसे प्यारे भक्त श्री उद्धव जी। देखने में कृष्ण उद्धव में कोई फर्क नहीं, वो एक ही रंग का है। बोले सबसे प्यारे भक्त श्री उद्धव जी। तब उन्होंने श्री उद्धव जी को पास में गए। बोले उद्धव जी, कृष्ण के सबसे जो बड़ा भक्त है तू हो, तेरे जैसे जगत में कोई प्यारे भक्त नहीं। उद्धव जी ने कहा, देखो पहले मैं यही सोच रहा था, शायद मैं जगत का सबसे बड़े भक्त भगवान कृष्ण की, लेकिन कृष्ण जब मेरे को ब्रज में भेजे और ब्रजवासियों का मैंने जो प्रेम को देखा, मैं तो बोल रहा था कृष्ण मैं तेरे को छोड़ नहीं सकता हूँ, तू मेरे को ब्रज में भेज रहे हो। कृष्ण ने कहा, उद्धव 1% केवल मैं यहाँ पर हूँ, जब तू ब्रज में जाओगे ना 99% तू मेरे को वही पाओगे, वही देखोगे। सचमुच से मैंने जब ब्रज में गया और ब्रजवासियों का प्रेम जब देखा, कृष्ण विरह में सबके सबके से ब्रजवासी सूखा पड़े हुए, कोयले कूकते नहीं, मयूर केका नहीं करते, मैया जसोदा तो कृष्ण विरह में बेहोश होकर पड़ी हुई थी। बोले कृष्ण के बगैर मैं दुनिया में कुछ भी नहीं देखूंगी, इतने आंखों से आंसू बह रही थी, वो पर्णला रूप में यमुना में मिल रहा था वो आंसू, ऐसे मैया जसोदा की प्रेम। और जब गोपियों को प्रेम को देखा और जब श्री राधा रानी को लेकर गए, बोले हे उद्धव जी चलो हमारी राधा रानी को देखोगे। जंगल में ले गए, देखा राधा रानी के लिए बड़े सुंदर कमल फूल की सज्जा लगा करके रखे और राधा रानी को शरीर में अगुर कर्पूर चंदन की लेप लगाई, लेकिन राधा रानी कृष्ण विरह में ऐसे डूबी हुई, 1 सेकंड में चुरचुर हो रहा था। कृष्ण स्वयं एक मधुकर बनकर गए, मधुमक्खी, और राधा जी के चरण में बैठना चाहते थे। उसी समय में राधा रानी कृष्ण को जो टेढ़ी मेढ़ी जो वचन बोलती थी, ये जन्म जन्मांतर के काले हैं, सत्य युग में भी काले आए, त्रेता में अभी भी वही काले, भैया काले से मेरे कोई संबंध नहीं, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी वचन बोल रहे थे, जिस प्रेम को देख करके उद्धव जी लास्ट में कहते हैं, अगर ये जीवन में किसका जीवन धारण करना सार्थक था किसी की, और ये ब्रज गोपियों की, इनके अंदर में कृष्ण के प्रति जो भाव है, ब्रह्मा शंकर नारद भी जिस प्रेम के लिए तरसते हैं, हैं? इसलिए ब्रज में अगर हमने तृण गुल्म लता रूप में अगर हमारी जन्म हो जाए, ये जीवन को हम धन्य मानेंगे। अगर राधा जी की चरण की एक धूल हमें मिल जाए, ये जीवन धन्य हो जाएगी। इसलिए उद्धव राधा जी की चरण की धूल को वंदना की। कभी ये कथा कौन किसको सुना रहे हैं, कौन कथा किसको सुना रहे हैं, भूल गए सब लोग, कौन सुना रहे हैं, जोर से बोलो, कौन किसको कथा सुना रहे थे, बोलो सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे।
हाँ जोर से बोलो। सुखदेव जी परीक्षित थे। सुखदेव जी परीक्षित थे। इसलिए यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज अपना माँ उत्तरा को सुना रहे। बोले माँ, ये जो भागवत का सार है, हाँ उन्होंने एक एक भक्त से दूसरे भक्त, दूसरे से तीसरे, और लास्ट कहाँ तक ले गए? वृंदावन तक ले गए। हैं? बोले जगत में अगर कृष्ण के सबसे बड़े भक्त कोई ये ब्रजवासी हैं, ब्रज गोपियां, और ये गोपियां भी जिनकी चरण की पूजा करते किसकी? श्री राधा रानी की। बोले श्रीमती राधा रानी की। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। हाँ देखो, अभी हम कथा को विश्राम देने जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने 7 दिन तक कथा सुने हैं, लेकिन कथा सुनने का बाद नियम है, कुछ लो और कुछ दो, कुछ दो और कुछ लो। बोले भैया ले क्या और दे क्या? बोले सारी गंदी चीज को दे जाओ और लेकर क्या जाओ? भगवान की भक्ति लेकर ले जाओ। बोले गंदी क्या चीज? बोले चार चीज गंदी चीज है। पहला नंबर है दुतम। दुतम मतलब जुआ नहीं खेलनी चाहिए। धर्म का पहला चरण सत्य है, जुआ खेलने से सत्य नष्ट हो जाती है, हैं? इसलिए कभी जुआ नहीं खेलनी चाहिए। दूसरी चीज पानम। पानम का मतलब है किसी तरह का कोई नशीली वस्तु, मतलब पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये नशीली वस्तु है। नशा तो जीवन में एक ही हो, भगवान की प्रेम की नशा हो, भगवान की भक्ति की नशा हो, और कोई जीवन में नशा नहीं हो। देखो, मुझे लगता है आप लोग ये चीज कोई चीज नहीं लेते हो, लेकिन एक चीज लेते हो, चाय। कौन कौन चाय पीते हो? हाथ उठा। हम लोगों ने सच बता दिया, चाय लेते हो। हाँ देखो, हाँ ध्यान देकर सुनो, चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए ये चीज को समझ लो। ये चाय की जो पत्ते में कोई दोष नहीं, लेकिन उसमें एक निकोटीन कैफीन डाला हुआ है। अब देखना, जो व्यक्ति शराब पीते हैं, शराब पीने का समय आ जाए, अगर वो शराब नहीं पिएगा क्या होगा बताओ? उसकी बेचैनी सी होने लग जाएगी। क्यों? शराब गंदी चीज है। इसलिए जो व्यक्ति चाय पीते हो, चाय पीने का समय आ जाए, अगर चाय नहीं पियोगे फिर क्या होगा? बोला आपकी, बोला आप लोग, सर दर्द होता है ना, क्यों सर देखो दर्द होता है, उसमें कैफीन और निकोटीन डाला हुआ है, जहर है। देखो पहले भारत में ये चाय कोई नहीं पीते थे, ये अंग्रेजी लोगों ने अपना बिजनेस को बनाने के लिए भारत में आए, और इन लोगों ने हमें क्या मतलब बिजनेस कैसे बनाए ये चीज को समझो। पहले खुद चाय बना बना करके पिलाते थे, और खुद कहते थे देखो जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा वही पियो, और जो एक कप चाय पिएगा ना उसको 1 रुपया मिलेगा। हम तो बेवकूफ मूर्ख है। बोले 1 रुपया और 1 कप चाय? बोले लो लो। उस समय 1 रुपया की कीमत था। कुछ दिन बाद में बोले देखो 50 पैसा मिलेगा। बोले दो। कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा मिलेगा। बोले दो। जब हमारे नशा चढ़ गई ना, बोले कोई पैसा पैसा नहीं मिलेगा, फ्री मिलेगा। बोले फ्री? बोले दो। कुछ दिन बाद में बोले 50 पैसा तो? बोले लो। कुछ दिन बाद में बोले 1 रुपया मिलेगा, देना पड़ेगा। बोले लो। बोले 2 रुपया? बोले लो। 3 रुपया? बोले लो। 4 रुपया? बोले लो। 5 रुपया? बोले लो। अभी कितना पैसा हो गया? बोले जोर से। देखो इतनी सी चाह हमें दिए, अपना बिजनेस धंधा बना दिए, और हमें बेवकूफ बना कर चले गए। अब हम ऐसे बेवकूफ है ना, 10 रुपया में इतना एक ग्लास दूध मिलेगा, एक ग्लास दूध नहीं पीते हैं, और हम इतनी सी चाय पी करके 10 रुपया पी करके उनका धंधा हमने बना दिया, उनके धंधा हमने बना दिया, हमने ठग गए हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं इतनी सी सबरे चाय पी लो ना, दिन भर के लिए चिंता नहीं। आप बताओ इतनी सी चाय से कहीं पेट भरती है? हमने चाय नहीं पी, जहर को पी, ये जहर हमने पी लिया, बीस को हमने पी लिया है, ये पेट में जाकर के भूख को खत्म कर दिया है। भैया 10 रुपया में घर में खाना बनाओगे ना, रोटी सब्जी बन जाएगी 10 रुपया में। अगर घर में अगर 5 सदस्य हो, अगर 2-3 बार खाना चाय पीते हो ना, उसी पैसा से पूरा संसार चल जाएगी तुम्हारी, खाना पीना संसार चल जाएगी। लेकिन हम इतने बेवकूफ बन गए, हमने चाय उनकी पी कर उनका बिजनेस विदेशियों का बना दिए, और हमने बड़ा हमने चाय पी रहे। नहीं, ये गंदी चीज है, ये नस्ली चीज है। इसलिए कोशिश करना
जैसे चाय हम नहीं पिए, ठीक है। एक रामदेव बाबा का हर्बल टी, घुंघरू टी आती है, उसको पियो, दूध पियो, मट्ठा पियो, एक ग्लास दूध में गोलमरीची अदरक अदरक उसको हाँ उबाल करके पियो, जो हेल्थ के लिए अच्छा है। 10 रुपया के एक ग्लास में दूध मिलेगी, इतने से चाय क्यों पियो, एक ग्लास दूध पियो ना, ठीक है। कौन कौन नहीं पिएगा चाय? ठीक है, देखो इसलिए ना आप लोग कोशिश करना धीरे 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 से धीरे धीरे ये छूट जाए, ठीक है ना। कोशिश करना धीरे 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 कम करने के लिए धीरे धीरे कोशिश कर दे और एक दिन छूट जाएगी चाय। हाँ। जब पानम कहते इसको लेने से क्या है, बोले तपस्या नष्ट हो जाती है। तीसरा नंबर है स्त्रियम। स्त्रियम का मतलब है संसार करो, अपना घर गृहस्थी करो, लेकिन शादी सुधा करके पति पत्नी धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी को बैठाओ। ऐसे नहीं बगैर शादी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहे हो। शास्त्र इसको एकदम मना किया है, ये अधर्म का वास है, हैं? ये अधर्म का जहाँ पर पवित्रता नष्ट हो जाती है, इसलिए धर्म की तीसरा चरण नष्ट हो जाती है। चौथा चरण है जीव हिंसा। जीव हिंसा में मांस है, मछली है, अंडा है और ये प्याज लहसुन। मुझे लगता है आप लोग कोई मांस मछली तो यहाँ कोई खाते नहीं होंगे लगता है, लेकिन लगता है आप लोग कोई क्या लेते हो, प्याज लहसुन खा लेते होगे, प्याज लहसुन। हाँ, कुछ कुछ माताएं तो खाती नहीं, ज्यादा ही खाती है ज्यादा है, इसलिए कोशिश करना। कल मैंने बताया था ना ये प्याज लहसुन में क्या दोष है, कल बताया था ना ये गैया की हड्डी से ये प्याज लहसुन बना हुआ है, ये अपवित्र वस्तु है। अच्छा दूसरी कथा समझ, आप भागवत में सुने होंगे जिस समय समुद्र मंथन से अमृत निकली, जब मोहिनी ये अमृत बांट रही थी, ये चंद्र सूर्य के बीच में एक स्वर भर नाम का दैत्य बैठे है और उसने धोखे से अमृत पी ली। चंद्र सूर्य बोले प्रभु ये दैत्य है, ये धोखे देकर के अमृत पिया है। भगवान चक्र को बुलाए, उसका गला काट दिया। जब गला काटे एक राहु और एक केतु बने, इसलिए चंद्र सूर्य बोल दिए थे, इसलिए बीच बीच में चंद्र सूर्य को ये हैं ये ग्रास करते ही, बोले जहां पर काटते समय उसकी जहां पर उसकी मांस गिर पड़ा कहते वहीं से ये प्याज की पौधा हुई, जहां पर उसकी हड्डी गिर पड़ा वहीं पर लहसुन की पौधा हुई, जहां पर खून की बूंद गिरी वहीं पर मसूर डाल दिए। इसलिए जो चीज है राक्षस की ये मांस ये तामस की भोजन है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का कहना अरे प्याज लहसुन के ऊपर स्वाद नहीं आता है, हैं? नहीं स्वाद नहीं है, वो बदबू है। प्याज लहसुन नहीं ये दो गुंडे हैं, ये दो गुंडे हैं। आप दाल सब्जी बनाओ, दाल की एक अलग टेस्ट है, आप दाल की एक अलग टेस्ट है और हर सब्जी का एक अलग टेस्ट है, लेकिन प्याज लहसुन डालो सारे टेस्ट खत्म समाप्त, उसकी टेस्ट है। प्याज लहसुन की बदबू आ रही है, हमने कहा नहीं खुश नहीं स्वाद नहीं लगती, स्वाद नहीं वो बदबू है। आप कुछ देर प्याज लहसुन मत खाओ, देखो जैसे हम नहीं खाते ना यहाँ पर प्याज लहसुन कटेगा हम बैठ भी नहीं सकते, उसमें इतनी बदबू मारती है, इतनी उसमें बदबू है, लेकिन इसको खा खा करके ना हमने अपना आदतों को बिगाड़ चुके हैं। आप कुछ देर मत खाओ, देखना जहाँ कटेगा ना बैठ भी नहीं सकते हो। जैसे एक शराब थोड़ी अच्छी चीज है, लेकिन शराब पी 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 करके स्वभाव को बिगाड़ दिया है और उसमें कतई इसमें अमृत आता है, शराब थोड़ी कोई अच्छी चीज है। इसलिए कोशिश करना इस सब चीज को धीरे धीरे छोड़ करके शुद्ध रूप में भगवान को भोग लगाओ, तुलसी माता दे करके ठाकुर जी को भोग लगाओ, आप बच्चों को खिलाओ, परिवार को खिलाओ, देखना घर में शांति, घर में सुख आएगी, हैं? भगवान की प्रसाद पाने पर कहते प्रसाद है सर्व दुखाना, ठाकुर का प्रसाद से करके सारे दुख दूर हो जाएगी, ठीक है ना। कहते चार चीज क्या जोड़ेंगे, बोले पहला चीज है भागवत से, पहला चीज लो एकादशी व्रत जरूर रखना, एकादशी कथा सुना दी। दूसरी चीज है हर घर घर में ये तुलसी की पौधा जरूर होनी चाहिए। किस किस घर में तुलसी पौधा है हाथ उठाओ तो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान जब ये जगत छोड़ कर गए भगवान अपने आप को कहाँ रख कर गए तुलसी में, हैं? कितना वृंदावन चलो, बोले बांके बिहारी
बोले वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब वन, जहाँ तुलसी का वन वहीं पर ठाकुर जी रहते हैं। बोले तुलसी काननम जत्र जत्र वृंदावन निचो, जहाँ पर तुलसी वृक्ष वहीं पर ही ठाकुर जी रहते हैं। और तुलसी वृक्ष में इसमें देखो, हम हिंदू लोग जैसे जो जो पेड़ हम लोग को पूजा करते हैं ना, उसमें सब साइंटिफिकल रीजन है। जैसे भारत में देखना, पीपल पेड़ को पूजा करते हैं ना, भारत में पीपल पेड़ है, नीम पेड़ है, ये तुलसी पेड़ है, पूजा करते हैं। बोले कारण क्या, देखो उसमें क्या साइंस है। कहते ये हर वृक्ष दिन में है, वृक्ष दिन में क्या छोड़ता है और क्या लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लेकिन केवल ये तीन वृक्ष हैं जो तीन में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात को भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कौन सा तीन वृक्ष है? एक तुलसी वृक्ष है, एक पीपल का वृक्ष और एक नीम का वृक्ष। ये तीनों वृक्ष हैं। इसलिए पहले पहले लोग बोलते ना, पेड़ को नीचे सोना नहीं, भूत है, पेड़ को नीचे बोलते ना भूत, नहीं भूत नहीं, क्योंकि जो वृक्ष है रात को ऑक्सीजन लेता है, छोड़ता नहीं, लेता है, हैं? इसलिए ये तुलसी वृक्ष, कल हम बता रहे थे, कहते जहाँ ये तुलसी वृक्ष रहेगा, जैसे आंगन में तुलसी वृक्ष रखते हैं, वहां पर किसी तरह का कोई गंदी चीज नहीं आएगी। तुलसी स्वयं लक्ष्मी है और भगवान के निवास है, वो ऑक्सीजन छोड़ती है। और वहां पर जो जो उसको क्या बोलते हैं, जो मोबाइल में आता है रेडिएशन आती है, जहाँ पर तुलसी वृक्ष वहाँ पर नहीं आती। इसलिए हमारे भारत में ये तुलसी को कहाँ लगाते हैं, आंगन में लगाते हैं ना। क्यों आंगन में? ये भी बड़ा साइंटिफिकल रीजन है, हैं? ये भी साइंटिफिकल रीजन है। इसलिए तुलसी वृक्ष की बड़ी महत्व है। इसलिए सबको क्या करनी चाहिए, गले में तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए। हमें फालतू नहीं बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, भगवान की हमें फालतू बननी चाहिए। इसलिए एकादशी व्रत रखो, घर में तुलसी कंठी पहनो और घर घर में ठाकुर जी की पूजा होनी चाहिए। हर घर में ठाकुर जी की मंदिर होनी चाहिए। किसको किसको घर में मंदिर है? सब घर में मंदिर है। इसलिए भगवान की सुंदर, भगवान के लिए ऐसे नहीं खूब तो रह रहे हैं बड़े 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 घर में, लेकिन ठाकुर जी को कभी कभी क्या करते हैं, सबसे जो रिजेक्ट का स्थान होता है ना, हम कभी कभी ठाकुर जी को वो रिजेक्ट का स्थान में ठाकुर को बैठा देते हैं। घर की जब सबसे छोटा जगह होगा नहीं, घर में सबसे बढ़िया स्थान में ठाकुर जी की मंदिर होनी चाहिए, रिजेक्ट स्थान के। इसलिए अभी दो मिनट में ले रहा हूँ। इसलिए घर में सबसे बढ़िया स्थान पर ठाकुर जी होनी चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी सुन लो, ध्यान देकर सुनो। देखो एक समय अयोध्या में, माता जी बैठी चुपचाप बैठी, इसलिए एक समय अयोध्या में कोई एक साधु था और उनका राम दरबार मंदिर थी, और वहां पर उनका एक शिष्य था जिसका नाम था रामदास, छोटा बालक था। एक दिन गुरु जी ने कहा, देख बेटा मैं कुछ काम के लिए, विशेष काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम ठाकुर का सेवा पूजा कर लोगे? बोले गुरु जी आपका आदेश होगा तो कर लूंगा। बोले देख बेटा ठाकुर को बढ़िया से खिलाना, ठाकुर का सेवा करना। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो, अब जाओ। गुरु जी चले गए, तो छोटा बच्चा था, अभी उसने रोटी सब्जी बनाई और ठाकुर के सामने धर दी। बोले ठाकुर जी अब बैठो और भोजन करो। वो तो छोटा बच्चा था, वो कभी देखा नहीं गुरु जी कैसे भोग लगाते हैं। वो सोचता था जैसे हम खाते हैं ना, ठाकुर जी ऐसे बैठ कर खाएंगे। जब ठाकुर के सामने धर दिया, अभी ठाकुर जी खाना ही नहीं खा रहे। बोले ठाकुर जी आप क्या नाराज हो मेरे ऊपर में? आप तो गुरु जी को हाथ में रोज खाते थे, मेरे हाथ में क्यों नहीं खाना खा रहे हो? गुरु जी बोले अच्छे तरह से ठाकुर को सेवा करना, नहीं तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। ठाकुर जी उतर बैठो, पिंडी दिया, बैठो भोजन करो। तभी भगवान खा नहीं रहे थे, राम दरबार लगा हुआ था, तभी खाए नहीं। बोले ठाकुर जी खाना नहीं खाओगे ना, आप लोग अयोध्या गए होंगे, वहां सरज नदी है। बोले ये सरज में आत्महत्या कर दूंगा घर में। उसने आत्महत्या करने के लिए गया, भगवान उसकी भक्ति को देख करके हिल गए ठाकुर जी। ठाकुर जी हिल गए भगवान राम। इतने में बोले हनुमान जी जाओ उसको पकड़ करके लाओ। बोले ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। वो छलांग लगाने जा रहा था, इतने में हनुमान जी पीछे से पकड़ लिए। बोले ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। बोले कर रहे हैं? बोले हाँ।
सचमुच से आकर के देखा ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। अभी उन्होंने ठाकुर जी को रोज रोज ठाकुर जी को भोजन कराते हैं, लेकिन जब कुछ दिन ही चला गया ना, एक दिन उसने कहा ठाकुर जी मैं अकेला भिक्षा करके लाना पड़ता, लकड़ी लाना, फिर रोसे बनाओ, पत्ता लाना, मैं अकेला कितना करूं। बोले चिंता क्यों करते हो, हम सबके सब मदद करेंगे ना, बताओ हमें क्या करना पड़ेगा। बोले आप तो घर के पिता हो, आप थोड़ी सी थोड़ा और पत्ता बना देना। बोले हनुमान जी बोले बताओ मेरे को क्या करना पड़ेगा। बोले आप थोड़ी सी देखभाल कर देना। बोले भैया मेरे को यही काम है। लक्ष्मण बोले बोलो मेरे को क्या करना पड़ेगा। बोले आप थोड़ी सी सूखी सूखी लकड़ी ले आना। बोले भैया जंगल का वनवास में तो यही काम करता था, इतने में माँ लक्ष्मी बोली मुझको क्या करना। बोले आपको थोड़ी सी, आप तो घर की माँ हो, थोड़ी सी रसोई बना देना। बोले भैया मैं तो यही काम किया जंगल 14 साल तो यही काम की। वो केवल भिक्षा करके ले आता है और बड़ी सुंदर रोज रोज प्रसाद बनता है, बड़ी सुंदर प्रसाद बनता है। कुछ दिन बाद में गुरु जी की लेटर आया। बोले रामदास मेरे साथ में कुछ संत आ रहे हैं, एक टाइम के लिए थोड़ी सी खाने का व्यवस्था कर देना, फिर मैं आकर के देख लूंगा। माँ को पत्र दिखाए। बोले माता सीता को, बोले माता जी गुरु जी आ रहे हैं, बोले एक टाइम के लिए थोड़ी सी रसोई बना देने के लिए। बोले बेटा कोई चिंता मत करो, ज्यादा करके थोड़ा भिक्षा करके ले आओ, मैं बना दूंगी। तब गुरु जी को पत्र भेजा। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो, मैया जानकी लक्ष्मी छापन भोग 36 व्यंजन बड़ा सुंदर खाना बनाती है, और भगवान राम बड़े सुंदर पत्ते और धुना बनाते हैं, और भैया लक्ष्मण सुखी सुखी लकड़ी ले आते हैं, और हनुमान भैया तो सारे काम कर लेते हैं, इसलिए कोई चिंता मत करो। माता जी बोली जितने ला सकते हो लेकर के आओ। गुरु जी अभी ये पत्र को देख करके बोली क्या बोल रहा है पागल, मैया सीता खाना बना रही है और लक्ष्मण जी लकड़ी ला रही है, उनको तो पता नहीं क्या हो रहा है। गुरु जी तो बड़ी चिंता करते करते आए, पता नहीं ये बालक क्या किया होगा। जब सचमुच से गुरु जी आए ना, देखा पूरा बैठो बढ़िया बैठो, इसलिए जब उन्होंने आए देखा पूरा घर में पूरा प्रसाद प्रसाद घर में भरा पड़ा हुआ, और इतने में देखा माँ जानकी स्वयं कोने में बैठी करके माँ जानकी स्वयं रसोई बना रही है। और जब गुरु जी को देखा, देखते ही मैया ने थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी मुस्कुराई और अंतर ध्यान हो गई। इतने में गुरु जी ने पूछा रामदास ऐसे कैसे हुआ। बोले गुरु जी आप जब चले गए थे ना, कोई खाना खाने के लिए तैयार नहीं थे, मैं जब सरजू में आत्महत्या करने के लिए गया तब ठाकुर जी भोजन किए, मैं 2-4 दिन बाद में बोल दिया मैं अकेला कितना करूं। बोले हम सबके सब मदद करेंगे। तब से लक्ष्मण भैया लकड़ी लाते हैं, हनुमान भैया सब देख लेते हैं, और मैया सीता तो इतने बढ़िया प्रसाद बनाती है। गुरु तो सुन सुनकर हैरान हो गए। बोले बेटा तेरे जैसे चेले को पाकर के मेरे जीवन धन्य हो गया है, जो भगवान को भी वशीभूत कर दिया। इसलिए कहते हैं ना, इसलिए कहते कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं बोले ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं। भगवान सब कुछ करते हैं लेकिन किसके लिए करेंगे, बताओ किसके लिए करेंगे। ऐसे भक्त बने तभी तो करेंगे। आप लोग कोई जगन्नाथपुरी गए हो, कौन कौन जगन्नाथपुरी गए हाथ उठाओ, तो आप देखना जगन्नाथपुरी, ठीक जगन्नाथपुरी से एक स्टेशन पहले उसका नाम साखी गोपाल है। स्वयं कृष्ण वृंदावन से साखी देने के लिए चलते 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 ठाकुर जी वृंदावन से जगन्नाथपुरी तक चले गए। उसको पहले एक आता है खीरचुरा गोपीनाथ है, ये खीरचुरा गोपीनाथ ठाकुर जी स्वयं एक संत के लिए ठाकुर जी खीर चुराए, तब से ठाकुर का नाम खीरचुरा नाम पड़ गया। कभी जगन्नाथपुरी जाओगे ना, वहां पर देखोगे कि ठाकुर जी बैठे हुए, पृथ्वी में एक ठाकुर देखोगे पद्मासन करके बैठे हुए। बोले क्यों, तो उनका कोई सेवक था, जब सेवा करते करते वृद्ध हो गया, जब उनसे सेवा नहीं हो पाई, बोले ठाकुर जी मैं और सेवा नहीं कर सकता, मैं वृद्ध हो गया, आप इतने लंबे में कितना सेवा करूंगा। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, कल मैं बैठ जाऊंगा। दूसरे दिन आकर देखे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। कभी जगन्नाथपुरी जाओगे ना, ये सब चीज को जरूर दर्शन करना। जैसे रथ यात्रा में हम लोग जाते हैं, अभी नवद्वीप जाएंगे ना, अभी नवद्वीप यात्रा में
नवद्वीप यात्रा में हम लोग जाएंगे, अगर आप लोग जोगाजोग रखोगे आपको सब जगह ले जाएगी, सब जगह लेकर के आपको दर्शन करा के ले आएगी, वहां पर साक्षात ठाकुर को दर्शन करोगे हैं। इसलिए घर में ठाकुर को जरूर सेवा पूजा करो, और भागवत का जो सार है ठाकुर जी का नाम जरूर जप करना। ठाकुर जी की नाम जप करना, ठीक है ना। कल मैंने बताया था ना चार बहुओं की कल कथा सुनाई थी ना, किसको याद है ये चार बहुओं की कथा? कौन बोला किसको याद है चार बहुओं की कथा? किसको याद है? तेरे को याद है? किसको याद है? कौन खड़े होकर बोल सकते हो? खड़े होकर कौन बोल सकते हो? बोलो, सारा दुनिया बात तो बोलते हो, भगवान की बात नहीं बोल सकते हो। किसको याद है चार बहुओं की कथा? कौन खड़े होकर बोल सकते हो? अरे बोलो, सब इधर उधर मुंह देख रहे हो, सब कोई बोल नहीं सकते हो। हाँ देखो, चार बहुओं में राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, किसको प्रेम करता था? सबसे बड़ी बहू। सबसे बड़ी बहू कौन थी? बोलो, सबसे बड़ी बहू कौन थी? ये शरीर है, सबसे बड़ी बहू ये शरीर है। जब सबसे बड़ी बहू राजा ज्यादा प्रेम करता था, उसको पूछा मेरे साथ में चलोगी? उसने क्या जवाब दिया? एक कदम भी तेरे साथ में नहीं चलोगी। मतलब क्या है? जिस शरीर को हम इतने प्रेम करते हैं, उसको ब्यूटी पार्लर में ले जाते हैं, इतने उसको चबन प्रास खिलाते हैं, जीव में ले जाते हैं, लेकिन ये शरीर अंतिम समय में साथ हमारी नहीं देगी। यही कही। दूसरी बहू कौन थी? सबसे सुंदरी। राजा जिसको दुनिया को दिखाया करते थे वो कौन थी? कहते सुंदरी। वो कौन थी? पैसा। हम लोग कुछ भी याद नहीं करते। वो थी पैसा, है पैसा, सबसे सुंदरी पैसा, क्योंकि बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया। आपको पता होगा कितना कष्ट से पैसा कमाते हो। दूसरी रानी से पूछे पैसा से साथ में चलोगी? बोले तो मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगा। मतलब क्या है? पैसा आज हमारे पास में, ये शरीर छूटते ही पैसा दूसरे को पास में चली जाएगी। वो कहते दूसरे में शादी कर लोगी। और तीसरी नंबर वो कौन थी? हाँ, जिसकी मीठी मीठी बात सुनता था, मन की बात जिसको बोलता था, जब उसकी नंबर आई तो साथ में चलोगी? उसने क्या बोले? मैं चलूंगी, लेकिन मैं दरवाजा तक चल सकती हूँ। कहाँ तक चलेगी? मैं तेरे दरवाजा तक, बोले आगे, बोले ज्यादा बोलोगे तो चार कदम तक आगे बढ़ूंगी, लेकिन और आगे नहीं जा सकती हूँ। परिवार वाले कहाँ तक चलेंगे? बोलेंगे बोले शमशान तक चलेंगे, बोले आगे, बोले आगे और नहीं चल सकते। लेकिन जो चौथी रानी थी, रानी राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट करता है, कुछ बेकार किसी काम की नहीं, लेकिन जीवन में जिसको सबसे ज्यादा नेगलेक्ट कर रखा था, लेकिन जब अंतिम समय आया, राजा जब पूछा साथ में चलोगी, केवल वही चलने के लिए राजी हुई। बोले राजा तेरे को दिल से मैं बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन दुख का विषय ये है तुम मेरे तरफ में एक बार झांक कर भी देखा नहीं, पूछा भी नहीं, तेरे पास में सारी साबुन तेल है कि नहीं, लेकिन मैं तेरे को सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुख में सुखी और दुखी में दुखी रहूंगी। वो कौन है? ठाकुर जी के नाम, ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी का नाम। किसको बोलो? भैया थोड़ा भगवान का नाम जप कर। बोले सब बेकार काम है, ये सब बेकार काम, जिसके पास कोई काम धाम नहीं ना, वही सब माला लेकर हरे कृष्ण करते रहते। हमारे पास में टीवी देखना, घूमना, बात करना, हमारे पास में तो बहुत सारे काम है, लेकिन भैया जो कुछ कर लो, लेकिन अंतिम समय में जब शरीर छूटेगी, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? बोलो, क्या बोलते बोलते जाएंगे? यही बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब परिवार झूठा है। बोले बेटा जितने जीवन में भगवान के नाम जब की, तेरे साथ में वही जा रहा है, एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ में नहीं जा रही है। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। जीवन में जितने प्रभु की भक्ति करोगे, वही धनी साथ में हमारे जाने वाले। बताओ कौन सा नंबर बहु को प्यार कर दे ज्यादा? बोलो जोर से, चौथे वाली। कौन कौन बोल रहे हो? देखो केवल बोलने से नहीं है, करना पड़ेगा। जैसे मैं किसको बोला, बोले माता जी एक गिलास पानी दो, बोले एक गिलास पानी दो, मेरे माता जी को बोले एक गिलास पानी दो, लेकिन उन्होंने सुन तो लिया लेकिन पानी नहीं दिया,
मैंने कहा आपने सुना कि नहीं? बोले सुन लिया ना, आप तो कह रहे हो एक ग्लास पानी दो, लेकिन अगर ये पानी हमें नहीं दिया तो सुनना को क्या सुनना बोलोगे? ये सुनने को क्या सुनने बोलोगे? नहीं, तभी सुनने का सुनने बोलोगे जब एक ग्लास पानी दोगे, ठीक है ना? इसलिए तभी हम कहते चौधरी राय को तो प्रेम करते हैं, लेकिन जब हम माला जप करेंगे तभी ये चौथी रानी को प्रेम करना होगा, ठीक है ना? इसलिए सबके सब माला, कल कौन कौन माला लेकर गए थे? कौन लोग आध घंटा कौन कौन माला लेकर गए थे? हाँ, जिसकी इच्छा होगी आज भी अब माला ले सकते जा सकते हो, लेकिन जो प्याज लहसुन पूरा छोड़ दोगे, मांस मछली नहीं खाओगे, आपको तो गले में कंठी दे सकते और नीम की माला देंगे। लेकिन जो व्यक्ति बोलेगे नहीं, धीरे धीरे इस चीज को छोड़ेंगे, प्याज लहसुन को, आपको नीम की माला देंगे, भगवान के नाम जप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जितने प्रभु का नाम जप करोगे ना, गंदी चीज अपनी आप दूर दूर, गंदी चीज अपनी आप दूर हो जाएगी। इसलिए जिनकी इच्छा होगी हम माला जप करना चाहते हैं, कथा के बाद में यहाँ से माला लेकर जरूर जाना, यही कथा सुनने का फल है। प्रभु जी अमित प्रभु जी कहाँ गए? इधर आ जाओ अमित, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ प्रभु जी, कहाँ गए? इधर आ। हाँ देखो, ये जो कथा यहाँ पर हुई है, ये कथा में हमारे अमित प्रभु वैभव प्रभु कहाँ है? वैभव कहाँ है? वैभव इधर आ गई, देखो वहीं खड़े। इसलिए देखो ये कथा ऐसे नहीं हो गई, ये प्रभु हम बहुत दिन से बोल रहे थे, महाराज जी एक बार है लखनऊ में आओ कथा करो, बहुत साल से बोल रहे थे। मैं बोल रहा था जाऊंगा जाऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रोग्राम है, आज जाऊंगा कल से कथा सुन रहे परसों से ऐसे, इसलिए मैंने कहा जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन मेरे पास में समय नहीं हो पा रहा था। लेकिन किसी तरह से इन लोगों ने बोलती एक बार करो तो कथा, एक बार करो कथा, लोग भक्त लोग जुड़ेंगे भक्ति करेंगे। तब मैंने बोला ठीक है कथा करूंगा, फिर मैंने कथा को रखी बोला। ये दोनों ने बहुत परिश्रम किया, बैनर लगाया, पापलेट बंटवाए, घर घर में गए, हैं सबके बोले कथा सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए। इसलिए कथा की इतनी महत्व, भागवत कथा की, कहते पृथ्वी का जितने सारे पुण्य है उसको तराजू का एक तरफ में रख लो, केवल भागवत कथा की पुण्य को तराजू का एक तरफ में रख लो, कहते पृथ्वी का सारे पुण्य भी इसको साथ बराबर नहीं कर सकते। ये भागवत कथा की इतने महत्व है, इसलिए गोकर न धुंधुकारी जब मरा, जब उसको नाम पर पिंड की मुक्ति नहीं हुई, बोले सौ बार भी पिंड दो तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, लेकिन केवल कथा से ही मुक्ति मिली। कहते भागवत कथा की इतने महत्व, अगर कोई व्यक्ति इतना बोल दे कथा हो रही है बहुत अच्छी बात, अगर इतनी सी बात बोल दो ना, जितने बड़े पापी से पापी क्यों नहीं हो वो भगवत लोग गमन करता है। इतने महिमा की कथा की, कितने लोगों का मन परिवर्तन हुआ होगा, भक्ति करेंगे, ये सब पुण्य किसको लगेगा? इनको लगेगा। इसलिए आप ये दोनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। ठाकुर जी, ठाकुर जी इनको खूब भक्ति दे, हमारे गुरु जी के शिष्य है ये लोग, खूब भक्ति दे, शक्ति दे, खूब प्रेम दे, ये दोनों ऐसे ही भक्ति के प्रचार करते रहे। अभी जो मंदिर में हमारे जो प्रभु जी खड़े हुए हैं, प्रभु जी है ना ये, रवि रवि प्रभु जी, इसलिए इन्होंने देखो इनको पास में हम सोच रहे भैया कथा कहाँ होगी, कथा कहाँ होगी, कहीं जगह देखो, ये भी इधर उधर जगह देख रहे थे। लेकिन जब इन्होंने इनको पास में आई, धर्म पत्नी आपके ठीक, जब इनको पास में आए ना, प्रभु जी सहज समय आनंद पूर्वक बोले कोई बात नहीं, भगवान की भागवत कथा होगी, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने भी तन मन धन हर तरह से यहाँ पर उन्होंने हर तरह से मदद किया। इसलिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं, इनको भी खूब भक्ति दे, खूब प्रेम दे, ये भी खूब फलते फूलते रहे, ये भी खुशी की रहे। और क्या माता जी ना, हाँ कीर्ति माता जी, आ जाओ कीर्तिदा सुंदर जी, इधर आ जाओ। इसलिए हमारे से कीर्तिदा माता जी हैं, इन्होंने ये मंदिर को सब देखभाल करती हैं। ये माता भी जिस दिन से आए, छोटी से छोटी चीज भी प्रभु जी बोल रहे थे, कोई चीज की जरूरत हो माता जी हर तरह से, कोई हम तो दूर से आए घर तो पास में नहीं, हर चीज की उन्होंने हर तरह से माता जी मदद की है। ठाकुर जी इनको खूब भक्ति दे, इनको प्रेम दे, भक्ति दे, ये खूब शांति सुख में रहे। और इसी कथा में ये मंदिर के जो सदस्य लोग है, यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग है, कोई तन से, कोई मन से, हर तरह से, कोई धन से, हर तरह से मदद किया है। इसलिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर सबको भक्ति दे, कृपा करे, ये सब के सब को फलते फूलते रहे। और यहाँ पर जितने और कथा में सबसे ज्यादा भागीदार कौन है?
पुण्य की, बल्कि जो कथा सुनने के लिए श्रोता, अगर मैं भी आ जाता, नंदिनी भी होता, सब कुछ होता, अगर आप लोग अगर सुनने के लिए कोई नहीं होते ना, अगर कोई कथा सुनने के लिए नहीं होते, आप लोग नहीं होते, फिर कथा क्या हो सकता था? अगर परिकृति महाराज नहीं होते, अगर सुखदेव गोस्वामी आ जाते, क्या कथा संभव थी? क्या नहीं संभव थी? इसलिए आप लोग सुपरिचित हो, आप लोगों ने हर तरह से आप लोग हम लोग को मदद किया, उत्साह वर्धन की, और आप लोग को देख करके माताएं सब तिलक लगाए, सब माताएं देखो तिलक लगाए, सब भक्त है, सब हमारे हैं, जिनको देख करके हमारे हृदय में अच्छी भावना आई, महाप्रभु की हमने कथा सुनाई, नवद्वीप धाम की हमने कथा सुनाई, इसलिए जितने श्रोताएं हैं, इसलिए आप लोग के लिए जोर से ताली बजाओ, जोर से। देखो इन्हीं कथाओं में हमारे जो भक्त लोग श्रीधाम भैया जो बड़े सुंदर जो वृंदा भक्ति बजाए, बल्कि आशिया में श्री श्याम प्रभु जी और श्रीकांत प्रभु जी हैं, इन लोग बड़े सुंदर उन्होंने भजन किया, अंगुल को ऊपर में आप लोगों को नचा दिया है, इसलिए आप लोग इनके लिए भी। और हमारे बीच में चिराग प्रभु, चिराग कहाँ गया? वो जो बच्चा रोज रोज आपको थोड़ी थोड़ी कथा सुनाए, वो छोटा बच्चा है, अभी कोशिश कर रहा है कथा सीखने के लिए, बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाए, कभी हम लोग सबके सब आशीर्वाद देना। और हम लोग जो रुके थे ना, हम लोग जो रुके थे, ये प्रभु जी के घर में भी धर्म पत्नी आई, कहा बुला दो, इधर क्या नाम है इसकी, अगर हाँ इधर आ जाए, सामने आ जाओ, देखो ये इनकी ये धर्म पत्नी प्रभु जी के, हम लोग तो कितना भूखे ना भजन हुई गोपाला, ले ले तेरी कैटी वाला, हम तो इधर आ जाते थे, इसलिए हमारा ये प्रसाद उन्होंने बनाएगी, इसलिए क्या नाम पत्नी ने सिखा दीदी है, हाँ सचमुच से इन्होंने, और उनका छोटा बेटा, इन्होंने हमारे लिए रोज 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 नए नए प्रसाद, जब हम यहाँ जाते थे बास रोटी अन्न चावल सब्जी रोज रोज माता जी हमारे लिए सुंदर सुंदर इतने प्रसाद बनाई, इसलिए आप सब इनको आशीर्वाद दो, जैसे ये दोनों पति पत्नी मिल करके महाप्रभु की भक्ति की जो धारा है लखनऊ में, महाप्रभु का भक्ति की धारा को जैसे ये लोग प्रचार करते रहे, इनको सबके सब आप लोग आशीर्वाद देना, ये आपको छोटी बेटी है, ठीक है। और कौन बाकी रह गए प्रभु जी, हमारे माइक वाले प्रभु जी कहाँ है, माइक वाले प्रभु जी, हाँ माइक वाले प्रभु जी, इन्होंने भी बहुत कम पैसा में हैं, बहुत कम पैसा में इन्होंने कोशिश की, क्या नाम, देखो मेरे को नियम है कथा सुनने के बाद कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, बगैर दक्षिणा के कथा सुनने का फल नहीं मिलता है, लेकिन क्या दक्षिणा दोगे, हृदय से मेरे को आशीर्वाद, क्या दोगे, 7 दिन तक कितना कथा सुनाए, कथा सुनाए कि नहीं, ऐसे नहीं, अंदर से मेरे को आशीर्वाद, अंदर से हृदय से, अगर इतने माताएं इतने भाई लोग अगर मेरे को आशीर्वाद देंगे ना, क्या आशीर्वाद दोगे, जैसे मैं साधु संतों की सेवा कर सकूं, आप लोग की मैं सेवा कर सकूं, महाप्रभु का वाणी को दुनिया में प्रचार कर सकूं, ये मेरे को हृदय से आप लोग आशीर्वाद करना, जैसे मैं आप लोगों का सेवा कर सकूं, ठीक है। हरे कृष्ण, देखो मंदिर में जो पुजारी प्रभु थे ना, पुजारी कहाँ गया, पुजारी है कि नहीं, कहाँ है पुजारी जी, हाँ पुजारी प्रभु जी सुनील कहाँ गए, आप कृष्ण रुक्मिणी, आप हमारे जो प्रभु पुजारी प्रभु जी कहाँ गए, पुजारी जी सरकारी जी धनाओ, हाँ देखो हमारे पुजारी प्रभु जी ठाकुर जी की बड़े सुंदर सुंदर पुजारी जी ठाकुर को श्रृंगार किया, इसको देख कर हम निहाल गए, इसे ठाकुर ने इनको ठाकुर जी ऐसे ठाकुर जी को सुंदर सुंदर श्रृंगार कर करे, उन्होंने रोज 7 दिन में उन्होंने 7 ड्रेस पहनाए और एक से एक सुंदर ड्रेस पहनाए, ठाकुर जी को ऐसे सजाते रहे, ठाकुर भी इनको ऐसे सजाए,
केवी ठाकुर का ठाकुर भी लिख सकते जरी की बगनी भावे सुंदर कितना सुंदर कितना I'm
I'm gonna make you mine.
Thank you.